Yes, uh, good evening all of you online students. Let me know if I am properly audible and visible. आवाज आ रही है सी के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है बेसिक न्यूमरसी का सेशन चल रहा है अभी और शायद आज सेशन थ्री है मेरे हिसाब से टू सेशन हैव बीन हेल्ड सो देर इज न्यू अनाउंसमेंट टू टुडे तो आज खुशखबरी दे दी जाए आप लोगों को है या आपके लिए अच्छी खबर नहीं है आप लोग बताइएगा मुझे फिलहाल द न्यूज इज दैट दिस वीक ट्यूजडे के अलावा थर्सडे को भी सेट का सेशन रहेगा बेसिक न्यूमरसी का भी और रीजनिंग का भी और अगले वीक से बेसिक न्यूमरसी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिस्टर तैयब पठान इज गोइंग टू टेक अप ट्यूसडे वेडनसडे थर्सडे टू ईच छ से आठ मंगल बृहस्पत। बृहस्पति ऐसा क्यों किया जा रहा है मैं बता दूं बिकॉज वंस अ वीक इट ब्रेक्स द कंटिन्यूटी एक साथ तीन सेशन होगा और आपको होमवर्क दे दिया जाएगा सेशन के अंत में और फिर नेक्स्ट वीक तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग इससे खुश रहिएगा मुझे बताइए स्टूडेंट्स तो आपके तैयब सर अब ट्यूसडे और थर्सडे इस वीक छह बजे शाम, शाम तक और को मैं भी सेशन लूंगा रीजनिंग का फ्रॉम फोर या थ्री थर्टी टू फाइव थर्टी जिससे कि सी सेट उस दिन सी सेट का डे रख दिया जाए दैट्स इट सो आम गिविंग ऑफ द सेशन टू मिस्टर तैयब पठान यू कैन प्रोसीड हेलो एवरीवन गुड इवनिंग हफ्ते में एक ही लेक्चर जब हम ले रहे हैं तब थोड़ा सा कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है ठीक है नंबर ऑफ लेक्चर तो उतना ही रहेगा बट आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर होगी अगर हम कंसिस्टेंट कंटिन्यूस लेक्चर लेंगे तो ठीक है तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एकदम फास्ट रिविजन लेंगे बिकॉज ये थर्ड लेक्चर है नंबर सिस्टम का राइट right? और आपको ऑलरेडी अच्छा नॉलेज आया है इसका ठीक so, मतलब है सो डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब दस सिंबल यूज करते हैं अपन राइट सो डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया जिसमें दस सिंबल है दस सिंबल कौन से सेन टू थ्री फोर अप टू नाइन ओके टेन सिंबल्स आर देयर उसके बाद क्या है देखिए सिंबल्स कौन से देखिए जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये नाइन सिंबल्स नाइन प्लस दस जीरो टोटल सिंबल्स कितने हैं दस सिंबल्स तो सिंबल्स दस है इसलिए इसे क्या बोलते हैं डेसिमल सिस्टम सो देयर आर टोटल टेन व्हाई इट इज डेसिमल सिस्टम तो इसके बाद हम देखते हैं फेस वैल्यू फेस वैल्यू देखा है हमने ठीक है कोई भी नंबर होगा फॉर एग्जांपल नंबर है नाइनटी फाइव अब फाइव का फेस वैल्यू भी फाइव है और नाइन का फेस वैल्यू भी नाइन ही है अब फेस वैल्यू चेंज हो रहा है नहीं बिकॉज इट डिपेंड ऑन इट्स फेस ओनली कैसे दिख रहा है उस पर इसके प्लेस पे कोई चेंज नहीं हो रहा है ठीक है तो प्लेस वैल्यू क्या होता है प्लेस वैल्यू मतलब किसी डिजिट की वैल्यू चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन इट्स प्लेस सो देखिए एक नंबर है 55. अब अगर हम फेस वैल्यू देखेंगे तो इस फाइव की भी फाइव ही है इस फाइव की भी फाइव है बट अगर प्लेस वैल्यू चेक करेंगे दिस इज यूनिट प्लेस एंड दिस इज टेंथ प्लेस सो वैल्यू इज चेंज तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा बताइए फाइव और इसका प्लेस वैल्यू फिफ्टी

है place पे मतलब फर्स्ट प्लेस सेकेंड है पे पे और seven है hundredth place पे. ठीक है ठीक तो सेवन का मतलब क्या होगा सो दिस इज एक्सपांडेड फॉर्म इस पर हमने डिटेल डिस्कशन किया है इसके बाद आएगा

होल नंबर मतलब क्या है नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो एड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा होल सो होल के वर्ड से ही समझ में आएगा होल मतलब पूरा के पूरा सो so, नेचुरल भी और जीरो भी ओके सो होल के बाद आएगा इंटीजर। तो इंटीजर में क्या आएगा देखिए तो so, ये देखिए वन टू थ्री फोर ये ऑल नेचुरल नंबर है इसमें जीरो ऐड कर देंगे तो होल हो जाएगा और इसी में निगेटिव नेचुरल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स के निगेटिव अगर ऐड करेंगे मतलब माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा इंटेजर्स okay? so, इंटेजर्स आता है राशनल नंबर राशनल नंबर हमने देखा कि राशनल नंबर को राशनल नंबर किसे बोलता है सो राशनल नंबर आर द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इसमें पी क्या है बताइए पी क्या है P क्या है और क्यू क्या है रैशनल नंबर मतलब कोई भी नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे बट पी एंड क्यू आर इंटीजर्स पी और क्यू क्या रहना चाहिए इंटीजर्स और उसमें वन मोर केस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो अगर हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख पाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे शुड बी कॉल्ड एज देखेल नंबर के बारे में हमने देखा कि रैशनल कोई भी एक नंबर है, तो है हो गया रैशनल ठीक है अगर कोई नंबर है नेगेटिव फॉर एग्जांपल माइनस सिक्स इसको भी हम माइनस सिक्स बाय वन लिख सकते हैं ये भी हो गया रैशनल ठीक है जीरो को जीरो को तो कुछ भी लिख सकते हैं जीरो डिवाइडेड बाय सेवन मतलब जीरो ही हो गया तो ये हो गया वापस रैशनल रैशनल हो गया देखिए जीरो भी है, भी इंटीजर इंटीजर है so उसके बाद हमने देखा नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज पी बाय क्यू फॉर्म मतलब जो रैशनल नहीं है वो इेशनल है ओके okay? सो so हमने देखा कि रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर इज इक्वल टू वॉट रियल नंबर इज इक्वल टू वॉट बताइए रियल नंबर इज इक्वल टू वॉट हमने दो क्लासिफिकेशन देखे थे रियल नंबर का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं सो इरेशनल क्या है इरेशनल क्या है जो भी रैशनल नहीं वो इरेशनल है और फ्रैक्शन क्या है जो इंटीजर नहीं वो फ्रैक्शन है राइट सो रियल नंबर मतलब क्या आई फॉर इंटीजर प्लस फ्रैक्शन क्या हो जाएगा रियल नंबर और इसके बाद रियल नंबर मतलब रैशनल प्लस रैशनल प्लस इेशनल सो रैशनल को हम क्या कहेंगे बताइए रैशनल का सिंबॉल याद है क्या है क्यू और इेशनल का यस ओके सो रियल नंबर फॉर आर आर इज इक्वल टू इंटीजर प्लस फ्रैक्शन एंड आर इज इक्वल टू रैशनल प्लस सो आर टू क्लासिफिकेशन ओके सो मुझे बताइए सारे के सारे इंटीजर्स सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल है या नहीं अभी हमने देखा है सारे इंटीजर्स रैशनल है, है या नहीं पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे या जीरो रहे एवरीथिंग इज रैशनल सो व्हाट अबाउट फ्रैक्शंस आर ऑल फ्रैक्शंस इरेशनल आर ऑल फ्रैक्शंस इरेशनल नहीं फॉर एग्जांपल 0.5 वी कैन राइट इट एज 1/2 ठीक है हमने देखा है। इरेशनल नंबर मतलब क्या देखिए कोई भी फ्रैक्शन कोई भी फ्रैक्शन हो फॉर एग्जांपल 0.3256 इसको हम लिख सकते हैं 3256 डिवाइडेड बाय 10000 जीरो ओके कैन वी राइट इट लाइक दिस सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू सो एनी फ्रैक्शन दैट इज टर्मिनेटिंग एनी फ्रैक्शन दर्मिनेटिंग इज रैशनल ये हमने देखा है अब देखिए जो टर्मिनेटिंग नहीं है बट कुछ तो रिपीट हो रहा है कुछ तो लॉजिक है कुछ तो रैशनलिटी है वो भी क्या होगा रैशनल फॉर एग्जांपल व्हाट वन पॉइंट थ्री 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 इनफेनाइट टाइम्स इसको हम क्या लिख पाएंगे फोर बाय थ्री लिखेंगे सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू सो इट इज रैशनल फिर इरेशनल क्या है देखिए इरेशनल एक तो फ्रैक्शन होना चाहिए फ्रैक्शन में भी टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए और टर्मिनेटिंग नहीं है उसमें भी क्या होना चाहिए रैशनल इरेशनल मतलब क्या लॉजिकल अरेंजमेंट नहीं है कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है रैंडमली वैल्यूज चेंज हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल रूट टू रूट टू

So, one, two, three में अगर zero कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा Whole numbers. Whole numbers में negative integers, negative integers कर देंगे क्या हो जाएगा ये टोटल इंटीजर्स इंटीजर्स में अगर वो वाले फ्रैक्शन जो कि रैशनल है ठीक है तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा rational होगा तो रैशनल छोड़ के बाकी जो भी बचता है वो रैशनल है इंटीजर्स ऑल द इंटीजर्स प्लस फ्यू फ्रैक्शन आर रैशनल ओके एंड रैशनल प्लस इेशनल इज इक्वल टू रियल नंबर ओके सो यहां से हमें पता चलेगा कि इेशनल मतलब क्या है ऑल द फ्रैक्शन दैट आर नॉट रैशनल वो क्या होंगे इेशनल होंगे ठीक है सो so, उसके बाद ऑल द टर्म्स देखे इवन नंबर हमने इवन नंबर देखा इवन नंबर मतलब क्या बहुत सारी चीजें हैं फॉर एग्जाम्पल नंबर है अब सारे नंबर्स को हमें दो दो केस में बांटना है हमें जोड़ियां बनानी है अगर एक बच जाएगा तो हो जाएगा ऑड देखिए ऑड वन बोलेंगे हम उसे उसके लिए जोड़ी है ही नहीं तो उसे क्या बोलेंगे हम ऑड नंबर बट अगर कुछ ऑड नहीं बचता है हर एक को जोड़ी मिल जाती है तो उस नंबर को क्या कहेंगे हम इवन नंबर ओके सो इवन नंबर अगर हम देखेंगे तो देखिए टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व चलता ही रहेगा तो सारी वन नंबर देखिए उसके एंड में इधर दो रहेगा चार रहेगा छह रहेगा आठ रहेगा या फिर जीरो रहेगा ठीक है इन पांच में से ही कुछ रहेगा क्या क्या रहेगा बताइए टू फोर सिक्स एट या जीरो कोई भी नंबर लीजिए फॉर एग्जाम्पल सेवेंटी टू इसके लास्ट में क्या है देखिए दो है दो है मतलब ये क्या हो गया इजी है ठीक है फॉर एग्जांपल सिक्स थ्री फाइव टू वन जीरो नंबर कितना भी बड़ा हो हमें सिर्फ यूनिट प्लेस चेक करना है क्या चेक करना है यूनिट और यूनिट प्लेस को क्या है देखिए थ्री है इसमें थ्री है कहां पे तो यूनिट प्लेस को अगर ऑड नंबर है तो पूरा नंबर ऑड यूनिट प्लेस को अगर इवन नंबर है तो पूरा नंबर इवन आर यू गेटिंग इट ओके सो नेक्स्ट इज ऑड नंबर सो ऑड का भी बहुत इजी है देखिए जो रैशनल नहीं है वो रैशनल है राइट जो फ्रैक्शन नहीं है वो इंटीजर है वैसे ही जो इवन नहीं है वो क्या है ऑड द नंबर विच इज नॉट इवन दैट इज ऑड इज दट क्लियर सो देखिए वट वी आर टेलिंग अबाउट इवन नंबर इट शुड बी जीरो टू फोर सिक्स और एट इफ दिस इज एट यूनिट प्लेस द नंबर इज इवन इफ दिस इज नॉट एट यूनिट प्लेस द नंबर इज Odd. Okay? Is that clear? So, ये नहीं होगा तो क्या होगा क्या होगा बताइए वन होगा या थ्री होगा या फाइव होगा या सेवन होगा या नाइन होगा ठीक है तो किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर वन थ्री फाइव सेवन नाइन होगा तो वो क्या होगा ऑड नंबर ठीक है सो so, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं सेवन सिक्सटी थ्री देखिए एंड में क्या है थ्री है थ्री इज ऑड ऑड नंबर है सो so, पूरा नंबर क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा ठीक है उसके बाद हमने देखा प्राइम नंबर प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसे कोई भी डिवाइड नहीं कर पाएगा ठीक है द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर अदर देन वन एंड इट देखिए किसी भी नंबर को एक से तो डिवाइड होगा ही होगा आंसर क्या आएगा सेम नंबर और उस नंबर से भी डिवाइड होगा आंसर क्या आएगा वन ओके सो वन और द सेम नंबर ये दो अगर छोड़े और बाकी किसी से डिवाइड नहीं हो रहा इसका मतलब क्या है वो नंबर प्राइम है ठीक है मैंने आपको मुझे याद है एक होमवर्क भी दिया था फिफ्टी तक प्राइम नंबर करने थे किसी ने किए है या नहीं या नहीं किए इसलिए कुछ लोग एबसेंट है मे बी सो लेट इट बी सो प्राइम नंबर्स क्या होता है वी हैव टू फाइंड आउट वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल और नॉट इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाई एनी

कोई ना कोई डिवाइड करेगा कोई ना कोई डिवाइड करेगा मतलब दिस नंबर हैड सम फैक्टर दिस नंबर गॉट सम फैक्टर ओके सो देखिए को प्राइम अब को प्राइम क्या होता है देखिए प्राइम और कंपोजिट हमने देख लिया अब को प्राइम क्या होता है को प्राइम इज नॉट अबाउट अ सिंगल नंबर को प्राइम इज अ रिलेशन को प्राइम इज अ रिलेशन को को का मतलब बताया था मैंने ठीक है को मतलब इट इट इज यूज्ड एज कलीग्स मतलब दो लोगों का रिलेशन है वैसे को प्राइम मतलब दो नंबर्स का रिलेशन है सो so, को-प्राइम मतलब क्या को प्राइम मतलब क्या यस फैक्टर्स कॉमन नहीं होने चाहिए ठीक है प्राइम मतलब फैक्टर ही नहीं होने चाहिए और को प्राइम मतलब फैक्टर को कॉमन को मतलब कॉमन को प्राइम मतलब फैक्टर कॉमन होना ही नहीं चाहिए ठीक है तो फैक्टर कॉमन कब होगा और कब नहीं होगा हमने प्राइम और कंपोजिट का एग्जांपल लिया था लेट्स रिवाइज दैट क्विकली देखिए प्राइम नंबर और प्राइम नंबर प्राइम नंबर और कंपोजिट कंपोजिट और कंपोजिट दीस आर थ्री पॉसिबल अरेंजमेंट्स ओके सो दो प्राइम होंगे तो मुझे बताइए ये, ये लोग कोप्राइम होंगे या नहीं देखिए इसे फैक्टर ही नहीं है इसे भी फैक्टर नहीं है तो दोनों को फैक्टर ही नहीं है तो कॉमन होगा क्या कोई भी नहीं है

कंपोजिट प्राइम और कंपोजिट इसमें देखिए इसको कुछ फैक्टर हैं प्राइम को कोई फैक्टर ही नहीं है सो so, प्राइम और कंपोजिट का कॉमन फैक्टर होने का चांस ही नहीं है बट लास्ट लेक्चर में हमने देखा है व्हाट इफ दिस सी इज मल्टीपल ऑफ प्राइम देन व्हाट ओके फॉर एग्जांपल दिस इज सेवन एंड दिस इज कंपोजिट इज 14 सो so, 7 एंड 14 यू कैन सी 7 इज 7 इज व्हाट कॉमन फैक्टर व्हाई प्राइम नंबर इज डिवाइडेड बाय द नंबर इट सेल्फ एंड वन सो वन को तो छोड़ दीजिए फिर बचा क्या सेवन इफ द प्राइम नंबर इट सेल्फ कैन डिवाइड कैन डिवाइड दिस कंपोजिट नंबर देन दे आर नॉट को प्राइम आर दे को प्राइम नहीं सो प्राइम प्लस कंपोजिट इफ वी आर चेकिंग दिस चेक वेदर दिस प्राइम नंबर कैन डिवाइड कंपोजिट नंबर इफ इट कैन डिवाइड देन दे आर नॉट को प्राइम इफ इट कैनॉट डिवाइड देन को प्राइम ओके सो कंपोजिट एंड कंपोजिट कंपोजिट मतलब क्या इसको भी फैक्टर है और इसको भी फैक्टर है बट हु टोल्ड यू कि ये फैक्टर्स में कोई कॉमन फैक्टर है फॉर एग्जांपल व्हाट यू कैन टेक फोर एंड यू कैन टेक नाइन फोर इज इक्वल टू व्हाट टू इंटू टू टू इंटू टू सो दीज है इज इक्वल टू वॉट थ्री इंटू सो नाइन को भी फैक्टर है बट क्या ये कॉमन है नहीं है सो वी कैन टेल दैट कि सी सी इसकी पेयर क्या होगी को प्राइम हो सकती है को प्राइम भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती कब नहीं होगी को प्राइम कब नहीं होगी जब कोई कॉमन फैक्टर होगा फॉर एग्जाम्पल वॉट टेन एंड फिफ्टीन टेन एंड फिफ्टीन टेन का मतलब टू इंटू फाइव फिफ्टीन का मतलब थ्री इंटू फाइव देखिए फाइव कॉमन है या नहीं सो देर इज कॉमन फैक्टर सो को प्राइम है क्या बिल्कुल नहीं ओके सो नेक्स्ट

नंबर प्राइम हो ही नहीं सकता इट विल बी डिवाइडेड बाई टू देर इज ओनली वन इवन नंबर दैट दैट इज इज प्राइम एंड ओके सो के बाद कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं आएगा जो कि प्राइम होगा और कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर इसका मतलब दोनों के बीच में सिर्फ दो का फर्क रहना चाहिए सो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर अगर लोगे दोनों भी प्राइम है सो उनको हम क्या बोलेंगे ट्वेन प्राइम नंबर इज दैट क्लियर ठीक है अब रूल ऑफ ऑपरेशन ऑन ऑड इवन ये हमने देखा था लास्ट ठीक है एडिशन पे देखा था सब्सट्रैक्शन पे देखा था मल्टीप्लीकेशन पे और डिविजन दैट विल रिवाइज क्विकली एंड विल मूव फॉरवर्ड ओके सो देखिए एडिशन पे क्या होगा बताइए किसी भी इवन नंबर को हम टू इंटूक्स टू इंटू वाई टू इंटू समय बिकॉज इट कैन बी डिवाइडेड बाई टू ओके देखिए हमने फैक्टराइजेशन थोड़ा डिटेल में देखा था लास्ट टाइम देखा था सो so, किसी भी नंबर को फैक्टोराइज कर पाएंगे हम और फैक्टोराइज करेंगे तो उसके फैक्टर्स क्या आएंगे बताइए यस yes, क्या आएंगे प्राइम सो कोई भी नंबर फैक्टोराइज करने का एक तरीका है और सारे के सारे फैक्टर क्या आएंगे प्राइम अगर वो प्राइम नहीं होगा तो उसे उसे वापस फैक्टोराइज कर सकते हैं वापस स्प्लिट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ट्वेल्व ट्वेल्व को आपने अगर लिखा टू इंटू सो दिस इज नॉट कंप्लीट फॉर्म दिस इज नॉट फैक्टोराइजेशन वाई six can further be divided. So what it what it will be two into two into three. Okay. So we will write two raised to two into three. ऐसे लिख पाएंगे. ठीक तो, है. तो टू कितने बार आए हैं उसका पावर लिख सकते हैं थ्री कितने बार आए हैं उसका पावर लिख सकते हैं सो दिस इज फैक्टोराइज फॉर्म इज दैट ओके सो किसी भी नंबर को हम फैक्टोराइज कर पाएंगे और फैक्टोराइज करने के बाद फैक्टर्स क्या आएंगे क्या आएंगे बताइए प्राइम नंबर्स व्हाट इट विल बी प्राइम नंबर्स तो हम फैक्टराइज करना सीख गए हैं ठीक है सो so, कोई भी अगर इवन नंबर होगा तो उसे दो से तो मल्टीप्लाई कर ही दो से डिवाइड तो कर ही सकता है so, दो से डिवाइड कर सकते हैं इसीलिए किसी भी नंबर को टू एक्स या टू वाई के फॉर्म में लिख पाएंगे ऑड नंबर को कैसे लिखेंगे बताइए टू एक्स प्लस वन टू वाई प्लस वन इस फॉर्म में लिख पाएंगे और यस की वाई की कीमत क्या होगी एनी एनी नंबर नेचुरल आएगा या होल आएगा बताइए या फिर इंटीजर आएगा इंटीजर आएगा ऑब्वियसली ठीक है देखिए यहां पे X की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस वन 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 इज ऑड नो तो जीरो भी वैल्यू आ सकता है ठीक है सो एक्स एंड वाई एनी इंटीजर सो एनी इंटीजर सो टू एक्स मीन्स वॉट टू एक्स मीन्स वॉट इट ऑलवेज रिप्रेजेंट देखिये ये ऑड रिप्रेजेंट कर पाएगा क्या बताइए कुछ भी रखिए कुछ भी इट विल ऑलवेज भी रखिए ग्रुप हो गया ये दो का, हो गया। दो का ग्रुप हो गया दो का ग्रुप होने के बाद एक बच गया है सो so दिन okay? so देखा था एडिशन के लिए क्या रूल था बताइए ऑड प्लस इवन ऑड प्लस ऑड इवन प्लस इवन राइट सो हमने देखा था ऑड प्लस इवन मतलब क्या देखिए टू एक्स प्लस टू वाई प्लस वन ओके इवन मतलब टू एक्स मतलब टू वाई प्लस वन सो इसको देखिए क्या लिख पाएंगे हम बताइए टू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और प्लस वन सो ये एक बाकी है बाकी या नहीं सो ऑड प्लस इवन करेंगे तो क्या आएगा ऑड ही आएगा एग्जाम्पल ले सकते हो थ्री प्लस फोर कर दीजिए क्या आएगा सेवन सेवन इज ऑड दूसरा ऑड प्लस देखिए एक्स प्लस टू वन आएगा और टू वाई प्लस वन तो देखिए टू एक्स प्लस टू वाई और ये क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू सो टू कॉमन अगर निकालेंगे हम तो क्या आएगा एक्स प्लस वाई प्लस वन सो टू कैन बी

ऑड हो जाएगा ठीक है उसके बाद हमने देखा सब्सट्रैक्शन सबस्ट्रैक्शन के भी रूल सेम देखे थे क्या देखा था ऑड प्लस ऑड ऑड सॉरी माइनस ऑड इवन माइनस ऑड ऑड माइनस इवन और इवन इवन माइनस यहां पे चार कॉम्बिनेशन क्यों आ रहे हैं बताइए एडिशन में तो हमने तीन ही कॉम्बिनेशन देखे थे बट यहां पे सबस्ट्रैक्शन में चार कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वाई बिकॉज ऑफ वाई बताइए ठीक है मतलब पोजीशन देखिए इवन और एक ही कॉम्बिनेशन लिया था हमने एडिशन में ठीक है व्हाई एडिशन इज कम्यूटेटिव टू प्लस थ्री भी उतना ही होगा और थ्री प्लस टू भी उतना ही होगा देर इज नो डिफरेंस टू प्लस थ्री फाइव और थ्री प्लस टू फाइव बट टू माइनस थ्री इज नॉट इक्वल टू थ्री माइनस सो वन मोर कॉम्बिनेशन वाई पोजिशन की वजह से इट इज नॉट कम्यूटेटिव सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव मतलब क्या ऑपरेशन है कोई भी एक ऑपरेशन है तो दो नंबर्स की हम अगर प्लेस चेंज कर दे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे बट यहां पे सबट्रैक्शन फर्क पड़ेगा पड़ेगा इसलिए ठीक है अब ऑड माइनस ऑड क्या आएगा बताइए ऑड माइनस ऑड क्या आएगा ऑड मतलब एक ऑड नंबर ले लीजिए 2x 1 और इसे माइनस कर दिया किससे 2y minus, 2y 1 से ओके सो आंसर क्या आएगा बताइए ये टू एक्स प्लस वन माइनस वन कैंसल टू एक्स माइनस टू वाई सो दैट विल बी टू एंड माइनस वाई सो इज दैट इवन इवन ओके सेकेंड कॉम्बिनेशन वॉट इवन माइनस ऑड इवन माइनस ऑड मतलब टू एक्स माइनस टू वाई प्लस वन ये क्या आ जाएगा बताइए टू ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और क्या आएगा माइनस वन अभी माइनस वन हो या प्लस वन हो ठीक है ऑड है ऑड है, है या नहीं बताइए अभी माइनस वन क्यों आ रहा है बताइए यहाँ पे हम ब्रैकेट में ले सकते हैं क्या ले सकते हैं टू माइनस वन व्हाट? व्हाट? माइनस वन अगेन एंड प्लस वन देखिए आंसर वही आएगा सो तो यहाँ पे प्लस वन आए या माइनस वन कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक बाकी है इस एक को जोड़ी नहीं है इसका मतलब वॉट इवन माइनस ऑड क्या आएगा

अगर इस ऑपरेशन के अराउंड इनकी जगह अगर हम चेंज कर दे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दैट्स वाई मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव है ना so, इसका मतलब मुझे बताइए अब कितने पॉसिबिलिटीज आएंगे कितने आएंगे ऑड इनटू ऑड इवन इन टू और ऑड इनटू इवन अब इवन इनटू ऑड करो याड इवन करो एक ही है वाई इट इज कंपिटेटिव ओके सो मुझे बताइए ऑड इंटू ऑड क्या आएगा ऑर्ड इंटू ऑड क्या आएगा? ये हमने देखा था राइट देखा था क्या आएगा टू एक्स प्लस वन क्या आएगा बताइए क्या आएगा टू एक्स इंटू टू वाई क्या आएगा फोर एक्स वाई ओके प्लस टू एक्स प्लस टू वाई प्लस वन ठीक है देखिए अब इसमें अगर मैं दो कॉमन निकालू तो क्या आएगा टू एक्स वाई प्लस वाई और plus 1. तो एक बाकी है इसका मतलब ऑड ऑड हमेशा क्या आएगा ऑड ही आएगा दिस नंबर इज इंपॉर्टेंट दिस रूल इज इंपॉर्टेंट ठीक है ये रूल इंपॉर्टेंट है बाकी तो आप डिराइव कर पाओगे इसको हाईलाइट करना ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड ही होगा सेवन इंटू फाइव थर्टी फाइव फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव 11 into 7 77 एवरीथिंग इज ऑड सो ऑड को अगर ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड ही आएगा डिवीजन में हमने एक लास्ट रूल इसी से सीखा था ठीक है सीखा था या नहीं फॉर एग्जांपल ऑड डिवाइडेड बाय ऑड क्या आएगा बताया था मैंने अब हमें पता है देखिए ऑड इनटू ऑड क्या आएगा ऑड ही आएगा सो so, एक ऑड इधर ले लेना ऑड इज इक्वल टू ऑड डिवाइडेड बाय ऑड तो एक रूल डिवीजन का भी हम यहीं से देख पाएंगे कैसे देखेंगे देखिए

टू एक्स इंटू टू वाई क्या आएगा बताइए टू इंटू टू एक्स वन ओके सो दो कॉमन निकाल सकते हैं हम अगर दो कॉमन निकाला इसका मतलब ये क्या हो गया इवन नंबर नेक्स्ट मुझे बताइए ऑड इंटू इवन क्या होगा ऑड मतलब टू एक्स प्लस वन और इवन मतलब टू वाई देखिये इसको भी हम लिख सकते हैं टू इंटू वॉट टू एक्स प्लस वन इंटू वाय ठीक है सो दिस इज इवन राइट सो इससे हमें क्या पता चल रहा है देखिए अगर इवन नंबर से किसी को भी मल्टीप्लाई करो ऑड हो या even हो, तो क्या आएगा क्या आएगा even ही आएगा, सिर्फ ऑड इंटू ऑड ऑड नहीं आएगा ठीक है इसको हम थोड़ा अलग डायमेंशन में देखेंगे देखिए अब हम इसका फैक्टराइजेशन कर पाएंगे कर पाएंगे कोई भी नंबर ऑड कब है मुझे बताइए फैक्टराइजेशन अगर आपने कर लिया तो क्या आएगा यही होता है है और इसके इंडेक्स है। अगर और है, इसका मतलब टू से हो पाएगा नहीं इसका मतलब टू का पावर क्या होगा ऑड में क्या होगा बताइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूं मैं ऑड नंबर में टू का पावर क्या होगा जीरो होगा ठीक है क्यों टू से डिवाइड ही नहीं होगा मतलब टू कितने बार आया जीरो बार आया आर इट सो का अगर फैक्टराइज कर थ्री इन टू फाइव होगा उसमें दो आया नहीं दो कितने बार आया आया जीरो बार 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 तीन कितने बार आया? एक बार. पांच कितने बार आया एक बार ओके okay. सो so किसी भी नंबर को हम किसी भी नंबर को हम टू रेस टू जीरो इन टू वटेवर इस फॉर्म में लिख सकते हैं अगर कोई और ऑड नंबर होगा तो इसको क्या लिखेंगे इन टू अब मल्टीप्लीकेशन है ना इंटू आदर नंबर क्या लिखेंगे वो भी टू इंटू जीरो होगा इंटू थ्री रेस्टू समाइव इंटू सेवन रेस्ट टू गेटिंग इट सो ये नंबर ऑड है इसलिए इसमें भी दो नहीं है दूसरा नंबर ऑड है इसलिए दूसरे में भी दो नहीं है इसका मतलब दो कहीं पर भी नहीं है अब इसके मल्टीप्लीकेशन में भी दो नहीं है मल्टीप्लीकेशन में दो नहीं है इसका मतलब क्या ये दो से डिवाइड नहीं होगा आर यू गेटिंग इट कुछ नया पॉइंट बता रहा हूं समझ में आ रहा है तो ठीक है ऑड इंटू ऑड देखिए पहले नंबर में भी दो नहीं है दूसरे नंबर में भी दो नहीं है तो फैक्टोराइजेशन को हम क्लब करेंगे तो भी इसके फैक्टोराइजेशन में कंबाइंड फैक्टोराइजेशन में दो कहीं नहीं है अगर दो है ही नहीं तो दो से डिवाइड होगा होगा दो से डिवाइड नहीं इसलिए ऑड इंटू ऑड ऑड आएगा अब देखिए अब इसमें से कोई एक भी नंबर इवन होगा तो दो आ जाएगा दो आ जाएगा ठीक है दो आ जाएगा टू रेस टू वन टू रेस टू 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 रेस टू थ्री कुछ तो आएगा तो इसमें से एक भी नंबर अगर इवन होगा तो दो की वैल्यू आ जाएगी इसका मतलब पूरे नंबर में दो कहीं ना कहीं आ जाएगा और दो है इसका मतलब नंबर क्या हो गया इवन ओके आर यू गेटिंग इट सो इवन इंटू इवन भी इवन आएगा और इवन इंटू ऑट भी इवन ही आएगा इज दैट क्लियर अब देखिए डिवीजन के रूल्स आपको याद करना पड़े थे थोड़ा सा ट्रिकी गए थे अब फैक्टोराइजेशन का इस्तेमाल करके वो भी थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे ठीक है यहां तक समझ में आ रहा है किसी कुछ प्रॉब्लम है लेट मी चेक ऑनलाइन स्टूडेंट्स। चलिए इज नो क्वेश्चन नाउ इट्स गुड थिंग अब हम देखेंगे डिविजन सो डिविजन का हम देखते हैं देखिए डिविजन के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी बताइए दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मुझे बताइए सबसे पहले डिविजन कम्यूटेटिव है या नहीं चलिए ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट है उन्हीं को बताना पड़ेगा डिवीजन कम्यूटेटिव है या नहीं है या नहीं नहीं है देखिए फोर बाय टू और टू बाय फोर क्या ये सेम है नहीं है इसका मतलब कम्यूटेटिव है नहीं है अगर कम्यूटेटिव नहीं है तो कॉम्बिनेशन बढ़ जाएंगे ठीक है पहला कॉम्बिनेशन क्या है बताइए ऑड बाय ऑड दूसरा ऑड इवन तीसरा इवन बाय ऑड और, और, और चौथा इवन इवन ये चार कॉम्बिनेशन है अब हमें देखना है इनका आंसर क्या आता है ठीक है तो सबसे पहले ये सबसे लास्ट में देखा था ऑड बाय ऑड और हम थोड़ा सा रुके थे आपको सोचने के लिए टाइम भी दिया था तो ऑड बाय ऑड क्या आता है बताइए हमने फिर लास्ट ट्रिक क्या यूज की थी जब अगर ऑड इन ऑड ऑड ही आएगा तो एक ऑड अगर नीचे ले लेंगे तो ऑड इज इक्वल टू तो ऑड बाय ऑड राइट सो ऑड बाय ऑड क्या आएगा ऑड ये ट्रिक हमने यूज की थी राइट बट ये ट्रिक अगर हम यूज ना भी करें सो न्यू ट्रिक आई एम टेलिंग यू ओके सो देखिए ये पहला नंबर ऑड है सो इसका फैक्टराइजेशन हम क्या लिख पाएंगे बताइए थ्री रेस टू समथिंग ओके थ्री रेस टू समथिंग इंटू फाइव रेस टू समथिंग रेस टू समथिंग एंड सो ऑन सारे प्राइम नंबर इसमें दो नहीं है क्यों नहीं है बताइए ये ऑड नंबर है ना दो से डिवाइड ही नहीं होता सो इसके फैक्टर में दो है ही नहीं अब नीचे के फैक्टर में क्या है मुझे बताइए थ्री रेस टू समथिंग समा रेस टू समथिंग सेवन रेस टू समथिंग एंड सो ऑन आर वेटिंग इट ठीक है अब देखिए अब ये डिवाइड होता है मतलब ये सारे फैक्टर्स कैंसिल होंगे ऊपर से और ऊपर कुछ तो बचेगा बट जो बचेगा उसमें दो नहीं है है क्या दे? दो बताइए दो है ही नहीं सो दो है ही नहीं जो बच्चा है वो सारे ऑड नंबर है सो ऑड इंटू ऑड इंट ऑड क्या हो जाएगा ऑड ही हो जाएगा इज दैट क्लियर सो ऑड बाय ऑड कैन नेवर इज दैट क्लियर समझ में आ रहा है या वापिस बताऊ ठीक है अगर कोई भी कोई भी इसके अंदर की स्टेप पता ना चले वापस बतानी है तो प्लीज रिक्वेस्ट टू रिपीट आई विल डू इट ओके सो ऑड ऑड देखिए नीचे है तो कैंसिल भी नहीं होगा जो भी कैंसिल होगा वो ऑड ही है और जो बचेगा वो भी ऑड है सो so, क्या बचेगा फिर ऑड नंबर बचेगा ओके सो देखिए अब जीरो इवन सॉरी बाय इवन दिस इज ऑड ऑड बाय ऑड इवन क्या आएगा बताइए थोड़ा तो सोच लीजिए ऑड इवन क्या आएगा बताइए ऑड इवन पॉसिबल भी है? किसी भी ऑड नंबर को इवन से डिवाइड कर पाओगे नहीं कर पाओगे बिल्कुल नहीं कर पाओगे देखिए सेवन डिवाइडेड बाई टू नाइन डिवाइडेड बाई फोर ये कभी भी इंटीजर नहीं आएगा सो ऑड नंबर इज नेवर डिविजिबल बाई टू क्यों नहीं बताइए

राइट इंटीजर है मतलब पी वन आएगा अगर आंसर आना है तो सेवन बाई वन लिख पाएंगे तो नीचे कुछ भी नहीं बचेगा इसका मतलब सब कैंसिल होना चाहिए नीचे दो भी है दो कैंसिल होगा ऊपर दो है ही नहीं तो डिवाइड कहां करोगे फिर इसका मतलब ऑड नंबर कैन नेवर बी डिवाइडेड बाय इवन नंबर कोई भी ऑड नंबर लीजिए कोई भी ऑड नंबर फिफ्टीन लीजिए फिफ्टीन का फैक्टोराइजेशन कीजिए आपको दो नहीं मिलेगा 27 लीजिए उसका फैक्टराइजेशन कीजिए आपको दो नहीं मिलेगा ओके सो ऑड नंबर क्या नेवर बी डिवाइडेड बाय टू सो इसका आंसर क्या आएगा बताइए ऑड बाय ऑड का क्या आएगा हमेशा ऑड ऑड बाय इवन का क्या आएगा नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल ये डिवाइड ही नहीं होगा डिवाइड ही नहीं होगा तो आंसर आने का सवाल ही नहीं है अब मुझे बताइए इवन बाय ऑड क्या आएगा Even by odd क्या आएगा? सेम लॉजिक यूज करो फैक्टराइजेशन यूज करो मुझे बताइए. So और नीचे मुझे बताइए में में दो आएगा क्या? और में दो आएगा आएगा? क्या? नहीं आएगा इसका मतलब so देखिए अगर ये डिविजिबल है तो इसका मतलब नीचे के सारे फैक्टर कैंसिल होंगे और ऊपर कुछ तो बचेगा कुछ तो बचेगा प्लस दो भी बचेगा सो टू इन समथिंग इज अगेन इवन नंबर इज दट क्लियर सो थोड़ा सा इजी लग रहा है तो इवन बाय ऑड क्या आएगा बताइए मुझे इवन आएगा इसमें कुछ प्रॉब्लम है ठीक है एग्जैक्टली exactly जैसा लिख रहा हूं मैं ऐसे लिख के लेना आपको बाद में अगर भूलोगे तो आपको याद रहेगा कि ईवन मतलब दो है और मतलब दो नहीं है तो अब मुझे बताइए ईवन बाई ईवन क्या आएगा यहां पे सोचने की बात है देखिए इवन बाय इवन मतलब क्या है टू रेस्ट टू समथिंग समी रेस टू नीचे भी टू रेस्ट टू समू समिंग एंड सो ऑन ओके टू समथिंग एंड सो ऑन देखिए इवन बाय इवन है इसका मतलब क्या अब डिवाइड हो रहा है इसका मतलब सारे के सारे फैक्टर क्या होंगे कैंसिल होंगे डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल होगा राइट सो डिनोमिनेटर का टू भी कैंसिल होगा और न्यूमरेटर का भी होगा बट अगर ये सेम होगा तो क्या होगा सपोज ऊपर भी है टू रेस्ट टू फोर नीचे भी है टू रेस टू फोर कैंसिल अगर होगा तो दो बच्चे का ही नहीं दो बच्चे का नहीं मतलब आंसर क्या आएगा ऑड आएगा और अगर ऊपर ऊपर टू रेस टू फाइव है और नीचे टू रेस टू फोर है इसका मतलब फोर कैंसल हो गया है ऊपर बच गया दो ठीक है इसका मतलब अगर न्यूमरेटर में दो बच्चा है तो इवन न्यू न्यूमरेटर में दो बच्चा ही नहीं इसका मतलब क्या ऑडेटिंग समझ रहे हो तो हमें चेक करना है टू का पावर क्या है फैक्टराइजेशन में अगर टू का पावर सेम है सेम है इसका मतलब ऑड नंबर ही आएगा टू का पावर कैंसिल होने के बाद अगर एक भी टू बचा इसका मतलब क्या है एक भी टू बचा इसका मतलब क्या ऊपर दो बच रहा है इसका मतलब इवन आएगा इवन आएगा या नहीं ठीक है इसमें किसी कुछ प्रॉब्लम है ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज पोस्ट योर क्वेरीज क्योंकि इतना हमने रिवाइज कर लिया है अब हमें new points, new points देखना है है यहां तो है है ठीक तक कुछ का यूज करके हमने क्या किया बताइए मल्टीप्लीकेशन सब, सब कुछ हमने देख लिया है ठीक है अब इसके बाद आएगा डिविजिबिलिटी टेस्ट ठीक है डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने थोड़ा थोड़ा देखा था अब हम कंप्लीट कंप्लीट पूरी डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे ठीक है अब हमें देखना है किसी भी नंबर को फैक्टोराइज अगर करना है तो हम क्या कर रहे थे बताइए दो से डिवाइड होता है क्या नहीं फिर तीन से होता है क्या नहीं फिर फाइव से होता है क्या नहीं सेवन से होता है क्या नहीं चेक कर रहे थे तो नंबर को डिवाइड किससे करना है बेसिकली सिर्फ प्राइम नंबर से करना है राइट सो नंबर को फैक्टोराइज फॉर्म में लिखना है इसका मतलब प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन में लिखना है सो हमें डिविजिबिलिटी सिर्फ प्राइम नंबर की चेक करनी है ठीक है प्राइम नंबर की चेक करनी है या आपको किसी और नंबर की चेक करनी है तो भी हम कर सकते हैं ठीक है बट फॉर फैक्टोराइजेशन वी नीड टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ दाइम नंबर बताइए दो से डिविजिबल है या नहीं कैसे चेक करेंगे कैसे चेक करेंगे डिवाइड करके यूनिट प्लेस राइट कोई भी नंबर है फॉर एग्जाम्पल फाइव टू सेवन सिक्स मुझे बताइए हमें सिर्फ यूनिट प्लेस चेक करना है क्या चेक करना है यूनिट प्लेस तो यूनिट प्लेस इवन है क्या तो पूरा नंबर इवन है और इवन है मतलब दो से डिवाइड होगा तो देखिए इवन है या नहीं इसके लिए जो लॉजिक यूज किया था वही लॉजिक टेस्ट ऑफ टू के लिए यूज होगा बिकॉज एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय टू से डिवाइड होगा और जो इवन नहीं है वो टू से डिवाइड नहीं होगा सो so, मतलब एक ही है टू से डिविजिबल है मतलब ही इवन सो इवन की जो टेस्ट थी वही यहाँ पे यूज होगी अगर नंबर इवन है कैसे चेक करेंगे यूनिट प्लस चेक करना यूनिट प्लेस में अगर इवन नंबर है या जीरो है जीरो टू फोर सिक्स या एट तो क्या होगा नंबर टू से डिविजिबल होगा अगर नहीं है तो नहीं होगा ठीक है तो दो तीन नंबर देता हूं देखिए सेवन जीरो जीरो अब मुझे बताइए सेवन जीरो सेवन इवन है या ऑड है, है वाई लास्ट में सेवन है फोर जीरो सिक्स इवन है क्या है इवन है बिकॉज ऑफ दिस सिक्स जीरो इवन इवन है है बिकॉज़ ऑफ़ दिस तो जो भी इवन है उसे दो से डिवाइड कर पाएंगे क्लियर सो देखिए अब आता है तीन. ठीक है तीन का थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है तब तक ही डिफिकल्ट लगेगा जब तक आपको उसका फॉर्मूला या ट्रिक पता नहीं है ठीक है सो so, ट्रिक क्या है बताइए देखिए सिक्स जीरो टू वन फाइव टू वन अब एक बड़ा नंबर है और मैं बोलूं आपको कि थ्री से डिविजिबल है या नहीं एग्जाम में इससे भी बड़ा नंबर आ सकता है सिर्फ चेक करने के लिए कि आपको फॉर्मूला पता है या नहीं तो आप क्या करोगे एक अच्छी सी लाइन मारोगे यहाँ पे उसके बाद कर्व करोगे ठीक है ये नंबर लिखोगे फिर तीन से डिवाइड करते बैठोगे अगर रिमाइंडर जीरो आया तो तीन से डिवाइड होता है अगर नहीं आया तो नहीं होता है ओके तो इससे कर पाओगे बेटा बट प्रॉब्लम क्या होगा टाइम जाएगा ओके okay? और टाइम सेव करना है तो क्या करना पड़ेगा वी तो देखिए थ्री का बहुत इजी है अब सब डिजिट्स की एडिशन कर लो सिक्स प्लस जीरो सिक्स प्लस टू एट प्लस वन नाइन प्लस फाइव फोर्टीन और प्लस टू सिक्सटीन और प्लस वन क्या होगा एटीन सॉरी सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन सिक्स प्लस टू एट एट प्लस मुझे बताइए को 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 से से होगा 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 क्या? होगा? नहीं होगा. अगर addition को तीन से नहीं होगा, तो number को भी नहीं अगर तो भी ठीक है so, तीन का बहुत सिंपल है तो चार पांच एग्जांपल में देता हूँ आपको आप कर लोगे ठीक है तो चार पांच एग्जांपल देता हूँ एग्जांपल नंबर वन फोर थ्री टू वन एग्जांपल नंबर टू सेवन 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 एग्जाम्पल नंबर थ्री टू जीरो सिक्स जीरो सेवन सिक्स टू चलिए ठीक है बताइए मुझे जल्दी से इन पांच नंबर में से कौन से नंबर तीन से डिवाइड होते हैं और कौन से नंबर तीन से डिवाइड नहीं होते ओके सो यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बता सकते हैं क्या आंसर आएगा अब एडिशन करेंगे हम सारे डिजिट के एडिशन करेंगे करेंगे या नहीं बताइए फर्स्ट का क्या आएगा आंसर एडिशन क्या आएगी पहले बताइए एडिशन क्या आएगी फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन क्या आएगा फोर प्लस थ्री सेवन सेवन प्लस टू नाइन नाइन प्लस वन टेन टेन मतलब थ्री से डिवाइड होगा बिल्कुल नहीं होगा सो so, थ्री से डिवाइड नहीं होगा पॉसिबल नहीं है सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन बताइए सेवन प्लस सेवन फोर्टीन और फोर्टीन प्लस ट्वेंटी एट को थ्री से होगा डिवाइड नहीं होगा वाई नाइन थ्री सावन यहाँ पे क्या आ रहा है ट्वेंटी एट आ रहा है सो so, डिवाइड होगा बिल्कुल नहीं आगे बताइए टू प्लस जीरो टू टू प्लस फाइव सेवन सेवन प्लस सेवन फोर्टीन होगा डिवाइड बिल्कुल नहीं इसको भी नहीं फिर अब देखिए फोर प्लस फोर एट एट प्लस टू टेन टेन प्लस फोर फोर्टीन इसको भी नहीं तो एक तो आ हारा है कि नहीं देखिए क्या थ्री वन प्लस टू थ्री ये वापस देखिए वन प्लस टू थ्री इसका भी थ्री इसका भी थ्री इसका भी थ्री सो थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस थ्री नाइन नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस सेवन ट्वेल्व प्लस सेवन वॉट 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 2 कितना हीगा 27, 27 को क्या डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है. 93 जा 27. तो इस नंबर को 27 को डिवाइड होता है मतलब इसको भी हो जाएगा आराम से हो जाएगा. इज दैट क्लियर सो three की टेस्ट इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं. अब हम देखते हैं four की टेस्ट. So four की टेस्ट इसका मतलब क्या कोई भी नंबर है उसको हम फोर से डिवाइड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे हमें चेक करना है ठीक है तो फोर के टेस्ट के लिए आप कोई रूल यूज करते हो आपको कोई भी नंबर दिया है फॉर एग्जाम्पल टू सेवन सिक्स फोर टू नंबर है बताइए फोर की टेस्ट कैसे यूज करेंगे हमें ये तो पता है कि दो से डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे तो दो से डिवाइड करेंगे कैसे इवन होगा तो दो से डिवाइड होगा ठीक है तीन की टेस्ट क्या है एड करेंगे तो हो जाएगा बट चार के लिए क्या करेंगे चार के लिए क्या करेंगे इसके लिए हमें इसके लिए हमें एक्सपांडेड फॉर्म की मदद लेनी है एक्सपेंडेड फॉर्म देखिए एक्सपांडेड फॉर्म भी हमें पूरा नहीं लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म शॉर्ट में लिखेंगे कैसे लिखेंगे देखिए टू सेवेंटी सिक्स इन टू हंड्रेड इज दैट क्लियर और उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस फोर्टी टू ठीक है ऐसे हम लिख सकते हैं क्या बताइए तो सेवेंटी सिक्स इंटू ठीक है प्लस 42 अब मुझे बताइए 100 को 4 से डिवाइड होता है या नहीं 100 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं 25 फाइव इंटू फोर तो 100 को अगर 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं अब बच्चा जितना भी बचा उसका 4 4 का ग्रुप बनाना है हमें राइट और 4 4 का ग्रुप अगर हम बनाएंगे तो कुछ भी बचना नहीं चाहिए सो हमें चेक करना है सिर्फ लास्ट टू डिजिट्स सो लास्ट टू डिजिट्स चेक कर, कर लीजिए बताइए मुझे 42 को 4 से डिवाइड होता है क्या नहीं होता है 10 4 40 तो दो बच गया सो so, अगर इसमें से दो बच गया इसका मतलब 4 से डिवाइड नहीं होगा तो so, 4 से डिवाइड मतलब क्या इस पूरे नंबर में अगर 4 4 के ग्रुप्स बनाएं तो कुछ भी बचना नहीं चाहिए आर यू गेटिंग इट सो तक के नंबर अलग किए देखिए को फोर से मल्टीप्लाई होता है सॉरी डिवाइड होता है सो so, पूरे नंबर को 4 से लास्ट टू डिजिट्स चेक क्या करना है लास्ट टू डिजिट्स वाई क्योंकि बाकी के डिजिट्स इंटू हंड्रेड इसे तो फोर से डिवाइड होगा ही होगा तो बचा क्या लास्ट टू डिजिट्स इज दैट सिंपल So, हमें पूरा डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं ठीक है और एक एग्जांपल लूंगा उसके बाद एक एग्जांपल देता हूं ठीक है देखिए सेवन फोर्टी एट सेवन फोर्टी एट बताइए मुझे सेवन फोर्टी एट है ठीक है तो हमें फोर का डिवीजन टेस्ट चेक करना है मतलब सिर्फ लास्ट के दो डिजिट चेक करने वाय उसके बाद जो भी बचेगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपांडेड फॉर्म में और 100 को अगर फोर्स से डिवाइड कर पाएंगे तो सारे नंबर को कर पाएंगे ओके okay? तो देखिए अब बचा क्या 748 में लास्ट टू डिजिट्स क्या है क्या है 48 है 48 को चार से डिवाइड होगा होगा इसका मतलब पूरे नंबर को चार से डिवाइड होगा इज दट क्लियर ठीक है चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं तो <coughs> देखिए इस ट्रिक में एक चीज आपको याद रखनी है सिर्फ लास्ट के दो डिजिट्स देख रहे हो आप तो लास्ट को जीरो जीरो भी आ सकता है ठीक है जीरो जीरो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेवन डबल जीरो आया तो देखिए सेवन डबल जीरो को हम कैसे लिखेंगे सेवन डबल जीरो प्लस जीरो तो सेवन हंड्रेड को तो फोर से डिवाइड होता है कुछ बचा ही नहीं है तो और कुछ रह गया कुछ भी नहीं है इसका मतलब आखिरी में जो भी नंबर बचेगा टू डिजिट नंबर उसको चार से डिवाइड होना चाहिए या वो नंबर क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए क्लियर सो दैट्स द रूल अब मुझे बताइए कुछ नंबर में लिख के देता हूं सेवन डबल वन फोर टू फोर वन थ्री सिक्स और टू डबल जीरो और एक देखते हैं वन थाउजेंड ठीक है बहुत जल्दी होना चाहिए आपको ट्रिक पता है ठीक है सिर्फ और सिर्फ लास्ट के दो डिजिट देखना है राइट तो आप बता सकते हैं पांच नंबर कितना टाइम लगाएगा लगेगा बताइए एक एक नंबर को टेस्ट करने के लिए हार्डली एक या दो सेकेंड लगेंगे राइट सो पांच एग्जांपल करने के लिए आपको आधा मिनट इनअ है बताइए जल्दी से कीजिए आपके नोटबुक में भी आप कर सकते हो थोड़ा सा प्रैक्टिस यहीं पर हो जाएगा ठीक है So let's see we have some चलो एक ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने लिखा है वैभव सिंह सब होगा नहीं सारे नंबर्स नहीं होंगे कुछ नंबर्स नहीं होंगे और उसका एक बहुत क्लियर कट एग्जांपल है सेवन डबल वन देखिए सेवन डबल वन ये ऑड नंबर है या नहीं अगर किसी को दो से ही डिवाइड नहीं होता तो चार से कैसे होगा चार से डिविजिबल होने के लिए दो से भी डिवाइड होना जरूरी है राइट right? देखिए ये है, है? ठीक है, वैसे भी हम अपना रूल यूज करेंगे बताइए, तो कौन से से को को क्या चार होता होता है? नहीं. 4, 3, 0, 12, 11 को होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं इसका मतलब इसको डिवाइड नहीं होगा फोर टू वन में लास्ट टू तो डिजिट्स कौन से है बताइए कौन से है ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर अगर लास्ट डिजिट्स है तो ट्वेंटी फोर को होगा सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर तो इसको होगा वन थर्टी सिक्स में बताइए क्या है थर्टी सिक्स नाइन फोर जा थर्टी सिक्स तो इसको भी होगा अब टू डबल जीरो में क्या आएगा बताइए जीरो जीरो मतलब वी आर ओके विद ओके सो इसको भी होगा अब वन जीरो जीरो फोर देखिए नंबर कितना भी बढ़ा हो हमें सिर्फ दो डिजिट्स देखना है देखिए फोर को होगा बिल्कुल होगा इसका मतलब फोर से इसे भी डिवाइड हो पाएगा ठीक है तो चलिए फोर की डिविजिबिलिटी टेस्ट किसी कुछ प्रॉब्लम है इसमें नहीं अब हम देखते हैं पांच की डिविजिबिलिटी टेस्ट पांच की डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसी होती है बताइए कैसी 0 या 5 होना चाहिए क्यों या फाइव फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर लीजिए सिक्स सेवन थ्री टू फाइव ओके तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे बताइए एक्सपांडेड फॉर्म थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे कैसे लिखेंगे देखिए सिक्स सेवन थ्री टू और इन टू टेन लिख पाएंगे या नहीं बताइए ठीक है वाई एक यूनिट हमने लिखा नहीं है उसकी जगह पे क्या लिख लिया 10 एक्सपेंडेड फॉर्म में ओके okay? प्लस क्या आएगा प्लस 5 और व्हाटएवर एक डिजिट तो मुझे बताइए ये, ये पहले वाला डिजिट सिर्फ एक सिंगल डिजिट अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो भी बचता है उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में प्लस द लास्ट वन डिजिट ओके सो देखिए यहां पे 10 है क्या हम 10 को 5 से डिवाइड कर पाएंगे को 5 से डिवाइड कर पाएंगे मतलब इस पूरे नंबर को दस दस के ग्रुप में बांट पाएंगे और दस को पांच मतलब कर पाएंगे, कर पाएंगे, बचा, बचा तो जो भी सिंगल डिजिट है उसको पांच से डिवाइड होता है क्या नहीं इतना ही चेक करेंगे जैसा चार का डिविजिबिलिटी टेस्ट था बट चार में हमने दो डिजिट देखे थे पांच में हम सिर्फ एक डिजिट देखेंगे <kuh> और पांच से डिवाइड कब होगा बताइए सिंगल डिजिट है पांच से डिवाइड तो सिर्फ पांच या फिर जीरो होना चाहिए ठीक है जैसे चार के टेस्ट में देखा था लास्ट टू डिजिट जीरो वैसे पांच के टेस्ट में एक ही डिजिट देखना है जीरो होगा ओके ठीक है एग्जाम्पल्स देता हूं मैं 55 फाइव टू सेवन जीरो क्या करना है बताइए इसको तो उससे भी कम टाइम लगेगा इवन वन सेकेंड इज इनफ राइट देखिए जब हमारा प्रैक्टिस होगा और हमें थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा तो ऐसे एकदम विद इन सेकेंड आ जाएंगे ठीक है बहुत सारा टाइम बचेगा डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाएगी ठीक है और इसके साथ माइंड भी शार्प हो जाएगा तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या आएगा यस लेट्स चेक विद ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगेन थ्री एंड फोर नहीं होगा चलिए थ्री एंड फोर नहीं होगा थ्री एंड फोर नहीं होगा बताइए पांच की डिविजिबिलिटी मतलब क्या चेक करना है लास्ट डिजिट क्या चेक करना है सिर्फ लास्ट डिजिट तो बाकी हम कुछ देखेंगे भी नहीं ठीक है और लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए जीरो या फाइव चलिए लास्ट डिजिट फाइव है इसका मतलब डिविजिबल है लास्ट लास्ट डिजिट डिजिट है 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 डिविजिबल बिल्कुल नहीं लास्ट डिजिट वन है बिल्कुल बिल्कुल नहीं लास्ट डिजिट है हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जाएगा ठीक है सो so नंबर कितना भी बड़ा हो हमें क्या देखना है सिर्फ लास्ट डिजिट एंड वी कैन टेल दैट दिस नंबर इज वेदर डिविजिबल डिविजिबल बाय फाइव और नॉट तो अब मुझे बताइए छ से डिवाइड करना है छ की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करनी है क्या होगा क्या होगा बताइए छे से अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने इसका मतलब क्या देखिए एक नंबर होगा यन और नीचे क्या आएगा छ तो छे से डिवाइड होना चाहिए होना चाहिए या नहीं तो छ से डिवाइड होना चाहिए इसका मतलब डिवाइडेड बाय थ्री यस तो नंबर को अगर छ से डिवाइड होना है तो दो से भी डिवाइड होना पड़ेगा और तीन से भी डिवाइड होना पड़ेगा इज दैट क्लियर तो किसी भी नंबर को अगर हम दो से डिवाइड कर पाए प्लस से भी कर पाए तो क्या हो जाएगा छ से डिविजिबल हो जाएगा अपने आप हो जाएगा तो मुझे बताइए से डिवाइड होना है, इसका चेक वेदर दैट नंबर प्लस चेक वेदर डिजिट्स का एडिशन थ्री so, तो से डिवाइड होता है या नहीं सो so, आप चेक कर पाओगे ठीक है लेट्स एग्जांपल 472. मुझे बताइए 472 का क्या होगा ऑड है या इवन है बताइए इवन है मतलब दो से डिवाइड होगा अब तीन से होगा या नहीं बताइए फोर प्लस सेवन इलेवन इलेवन प्लस टू थर्टीन तीन से नहीं होगा इसका मतलब छ से होगा या नहीं बिल्कुल नहीं दूसरा एग्जांपल लेते हैं ठीक है फोर थ्री टू बताइए अभी फोर थ्री टू फोर थर्टी टू सो मुझे बताइए दो से डिवाइड होगा क्या इवन है तो बिल्कुल होगा थ्री से होगा क्या फोर प्लस थ्री सेवन सेवन प्लस टू नाइन नाइन को होगा तो थ्री से होगा इसका मतलब दो से भी हो रहा है थ्री से भी हो रहा है सो so, सिक्स से बिल्कुल हो जाएगा ठीक है तो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं चलिए लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल्स वन टू थर्टी वन सेकेंड सिक्स डबल जीरो थ्री फोर ट्वेंटी सिक्स सेवन वन थाउजेंड सॉरी फोर फाइव टू फाइव टू फाइव और सिक्स टू जीरो वन जीरो फोर जीरो 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 वन टू ठीक है छ से डिवाइड होगा या नहीं सिंपल रूल दो से भी डिवाइड होना चाहिए और तीन से भी होना चाहिए ठीक है अदरवाइज हमें सिक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते बैठना पड़ा होता राइट right? और चेक करना पड़ेगा रिमाइंडर है, है या नहीं सो दिस इज सिंपलेस्ट मेथड चेक विद टू चेक विद्री तो मुझे बताइए पहले तो हम जो ऑड है जो टू से ही नहीं होगा उनको हम कैंसिल करेंगे ठीक है बताइए ऑड क्या क्या है टू थ्री वन ऑड है क्या दो से नहीं होगा तो छ से भी नहीं होगा फिर मुझे बताइए और क्या ऑड है टू फाइव टू फाइव ऑड है ये और है दो से नहीं होगा तो छे से भी नहीं होगा अब जो इवन बचा उसी में चेक करेंगे अपन ठीक है तो जो इवन बचा है उसमें तो हो गया अब हम क्या चेक करेंगे थ्री तो बताइए सिक्स प्लस जीरो प्लस जीरो कितना हो गया सिक्स थ्री से होगा बिल्कुल होगा फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व ट्वेल्व को होगा थ्री से फोर थ्री सा ट्वेल्व तो सिक्स से भी बिल्कुल होगा वन प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो वन ही हो गया इससे होगा बिल्कुल नहीं होगा देखिए और लास्ट टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस फोर सेवन सेवन प्लस वन एट एट प्लस टू टेन टेन को होगा थ्री से बिल्कुल नहीं इसका मतलब ये भी नहीं आएगा क्लियर स्टूडेंट्स ऑनलाइन यस गुड Going good. तो चलिए सिक्स का टेस्ट हो गया अब सेवन का टेस्ट थोड़ा सा ध्यान से देखना सेवन का टेस्ट अगर हमें चेक करना है तो नंबर के लिए अब यहां पे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा देखिए मोस्टली सीसेट में वैसे आपको कुछ भी याद नहीं करना है सब कुछ लॉजिकली देखना है ठीक है बट अगर लॉजिक समझने में बहुत टाइम चला जाए तो कुछ कुछ चीजें हम याद रख सकते हैं तो सेवन की डिविजिबिलिटी चेक टेस्ट करनी है तो क्या करोगे बताइए मुझे अब देखिए फोर थ्री टू वन फोर थ्री टू वन ये नंबर है क्या करोगे हाँ राइट इट राइट यूनिट प्लेस को क्या करेंगे डबल करेंगे और जो बचा है उससे

या नहीं होगा ये चेक करने के लिए हमें लास्ट डिजिट जो है कट करके निकाल देना है लास्ट डिजिट क्या है बताइए फोर लास्ट डिजिट निकाल लिया क्या है लास्ट डिजिट 4. उसको डबल कीजिए कितना फोर इंटू टू एट फोर इंटू टू एट एट हो जाएगा सो जो बचा है उसमें से डबल द डिजिट माइनस कर दीजिए टेन में से आठ गया कितना बचा बताइए टेन में से आठ गया कितना बचा दो ही बचा 10 में से 8 से लगा कितना बचा 2 बच गया तो ये 2 को 7 से डिवाइड होता है कि नहीं बताइए नहीं होता है इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं बताइए बिल्कुल नहीं है अब 105 ले, ले लेते हैं 105 105 बताइए इसका क्या होगा 105 क्या होगा 105 मुझे बताइए लास्ट डिजिट कौन सा है 5 है या नहीं 5 को दो से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा दस और बचा क्या है दस दस में से दस को माइनस कर दीजिए क्या बचा सो डिविजिबिलिटी so, चेक करनी है देखिए चार की और पांच की याद कर लीजिए जो भी बचा है उसे आइदर चार से डिवाइड होना चाहिए था या जीरो जीरो, जीरो चाहिए पांच वाली डिविजिबिलिटी जो भी बचा है उसे पांच से डिवाइड होना चाहिए या जीरो चाहिए तो साथ के लिए सेम रूल जो भी बचा है उसे सात से डिवाइड होता है कि चेक कीजिए आइदर आंसर आंसर होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए टू थ्री फोर फाइव सिक्स नहीं होना चाहिए साथ या साथ के साथ के रेंज में होना चाहिए का मल्टीप्लाई होना चाहिए या तो फिर जीरो होना चाहिए ओके सो so, वन जीरो बताइए मुझे सेवन से मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा बिल्कुल होगा ठीक है दूसरा नंबर लेते हैं टू थर्टी वन बताइए टू थर्टी वन क्या होगा लास्ट डिजिट क्या है One. One को डबल करो लास्ट वन को डबल किया क्या होगा क्या होगा टू और बचा क्या है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री में से टू गया क्या बचेगा 21. 21 क्या डिविजिबल है 7 से है? तो बिल्कुल है इसका मतलब सेवन से डिविजिबल पूरा नंबर है राइट सो ये थोड़ा सा ट्रिकी है एक स्टेप एक्स्ट्रा इस है इसमें ठीक है सो इसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ठीक है तो देखिए

सो so, मैं आपको कुछ नंबर देता हूं तो चलिए लीजिए फर्स्ट टू वन थ्री सेकेंड सेवन वन फोर थर्ड फोर थ्री टू सिक्स टू डबल जीरो फाइव टू टू वन सिक्स सेवन एट थ्री ठीक है तो छह एग्जांपल दिए हैं अब मुझे बताइए छह में से जो भी, जो भी भी नंबर डिविजिबल बाय है, वो मुझे बताइए ठीक है इसके बाद हम देखते हैं बड़े नंबर्स को कैसे चेक करेंगे चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स वर्क ऑन इट दो से डिविजिबिलिटी तीन से डिविजिबिलिटी थोड़ा सा इजी था सात से आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ठीक है चलिए बताइए से डिवाइड हो गया नहीं ऑफलाइन स्टूडेंट्स हो गया एवरीथिंग डन चलो बताइए क्या आएगा टू वन थ्री है राइट टू वन थ्री में क्या बचा देखिए ट्वेंटी वन और थ्री थ्री को डबल करेंगे क्या आ जाएगा को डबल करेंगे क्या आ जाएगा सिक्स अब ट्वेंटी वन में से सिक्स को माइनस कर दीजिए क्या बचा पंद्रह पंद्रह को सात से डिवाइड होता है बिल्कुल नहीं इसका मतलब इस नंबर को डिवाइड नहीं होगा अब सेवन वन फोर फोर को अगर निकालेंगे क्या बचेगा सेवेंटी वन और फोर फोर को डबल करेंगे क्या हो जाएगा एट सेवनटी वन में से एट चला गया कितना रहेगा बताइए सिक्सटी थ्री तो नाइन इंटू सेवन सिक्सटी थ्री हो जाता है इसका मतलब इसे 7 से हो जाएगा अब मुझे बताइए 432, 432 क्या आएगा 432 में 43 थ्री इंटू टू टू को दो से मल्टीप्लाई करो आ जाएगा चार 43 में से चार गए क्या आएगा 39, थर्टी फाइव थर्टी नाइन तो नहीं आता है इसका मतलब नॉट डिविजिबल 200 बताइए एक एक डिजिट क्या है 20 और जीरो जीरो को दो से मल्टीप्लाई किया जीरो आया सो so, 20 में से जीरो गया बीस ही बचा तो बीस क्या मल्टीप्लाई होएगा सात से डिवाइड होगा सॉरी बिल्कुल नहीं होगा सो ये सात से डिवाइड नहीं होगा नंबर आप टू ट्वेंटी ट्वेंटी दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दो ट्वेंटी कितना रहेगा बीस क्या मल्टीप्लाइबल है, है? सॉरी डिविजिबल है बिल्कुल नहीं सो ये भी नहीं होगा सेवन एटी थ्री बताइए सेवन एटी थ्री क्या आएगा सेवन इंटू थ्री तो थ्री को दो से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा क्या आएगा सिक्स तो सिक्स सेवेंटी एट में से सिक्स निकाले कितना आएगा सेवनटी टू और सेवनटी टू डिजिबल है क्या देखिए सत्तर डिविजिबल है सत्तर के बाद सेवेंटी सेवन है सेवनटी टू बिल्कुल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं आएगा Is that clear? अब हम देखते हैं एक बड़ा नंबर बड़ा नंबर क्या देखेंगे फोर थ्री टू वन ठीक है फोर थ्री टू वन मुझे बताइए फोर थ्री टू वन में लास्ट डिजिट क्या है क्या है वन वन so को दो से मल्टीप्लाई किया क्या बचेगा दोनों टू ठीक है फोर थर्टी टू और ये क्या आ गया दो सो फोर थर्टी टू में से दो गया कितना रहेगा फोर थर्टी बचेगा तो अब हमें चेक करना है वेदर फोर थर्टी इज डिविजिबल बाय सेवन और नॉट अगर फोर थर्टी डिविजिबल है तो ऊपर का नंबर है और फोर थर्टी सेवन से डिविजिबल है या नहीं वापस सेम टेस्ट लगाएंगे आर गेटिंग सो so, क्या टेस्ट लगाएंगे देखिए 43 और 0. 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 0. 43 में से 0 गया कितना बचेगा 0. सो फोर्टी थ्री में से 0 गया सॉरी 43 43 बचेगा डिविजिबल है या नहीं बताइए 7 सिक्स 42. सो so, ये डिविजिबल नहीं है 43 डिविजिबल नहीं है मतलब पूरा नंबर 430 डिविजिबल नहीं है और 430 डिविजिबल नहीं है मतलब ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है आर यू गेटिंग इट मैं क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है ठीक है तो टेस्ट यूज की हमने 430 आ गया बट 430 पे वापस टेस्ट यूज की क्यों? बिकॉज इट्स नॉट इजी टू चेक इज डिविजिबल बाय सेवन और नॉट ओके सो डिविजिबिलिटी ऑफ सेवन अब एट का चेक करना है एट का कैसे चेक करेंगे बताओ फोर के लिए जो फॉर्मूला यूज किया वैसे सिमिलर फॉर्मूला यूज करना है देखिए हमें एक बात पता होनी चाहिए थाउजेंड को थाउजेंड को आठ से डिवाइड होता है क्या नहीं बताइए होता है कि नहीं चेक कीजिए देखिए दो का दो का डिवीजन हो गया 500 सौ बाय चार बचा ठीक है अब 500 को अगर डिवाइड करेंगे तो 125 आ गया इसका मतलब थाउजेंड इज डिविजिबल बाई एट इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर तो किसी भी नंबर को हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हैं थाउजेंड तक और जो भी बचेगा उसके लिए ही चेक करेंगे इज दैट क्लियर फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है देखिए सेवन टू फोर एट ठीक है अब इस नंबर को क्या हम ऐसे लिख लिख पाएंगे 7000 248 ठीक है तो देखिए 1000 इज डिवाइजेबल बाय 8 सो 1000 इनटू एनीथिंग इज डिविजिबल बाय 8 सो हमें चेक क्या करना है फिर सिर्फ लास्ट के तीन डिजिट इज दैट क्लियर लास्ट के तीन डिजिट चेक करेंगे किससे चेक करेंगे वेदर इट इज डिविजिबल बाय 8 कैसे चेक करेंगे बताइए लास्ट के तीन डिजिट क्या होने चाहिए आठ से डिवाइड होने चाहिए तब तो इसके आगे क्या करेंगे पहले तो वो सम होना चाहिए क्या होना चाहिए सम मतलब इवन होना चाहिए ठीक है सम विषम मराठी वाला वर्ड हो गया देखिए आठ से डिवाइड होना है मतलब इट शुड बी इवन ठीक है तो हमें सिर्फ लास्ट वाला पार्ट चेक करना है आठ से डिवाइड होता है क्या नहीं सो so, आठ से डिवाइड होना है तो इवन होना चाहिए आठ से डिवाइड मतलब क्या देखिए टू फोर्टी एट को आठ से डिवाइड करना है पहले दो से कीजिए कितना आएगा डिवाइडेड आप फोर का टेस्ट वापिस चेक कर सकते हो फोर से होना चाहिए या नहीं फोर से कैसे करेंगे देखिए फोर से करना है तो सिर्फ लास्ट के दो डिजिट चेक करो ट्वेंटी फोर को फोर से होता है इसका मतलब एट से टू फोर्टी एट को हो जाएगा Is that clear? अगर आपको ज्यादा ट्रिक यूज करना डिफिकल्ट है तो इसको एट से डिवाइड कर दीजिए सिंपल डिविजन मेथ बी नो रिमाइंडर सो थाउजेंड से, तो, हो ही जाएगा, से चेक करना है, तो क्या करेंगे पहले तो चेक करेंगे बच्चा क्या चार चार से चेक करो जो भी रिमाइंडर है इट शुड भी डिविजिबल इज ट्रू दे नंबर इज डिजिबल बा चलिए नंबर्स कुछ एग्जांपल देता हूं आप सॉल्व कीजिए टू फोर्टी सिक्स टू वन वन टू थ्री वन वन जीरो जीरो फोर टू वन वन जीरो 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 थ्री वन टू वन टू टू फाइव सिक्स पांच एग्जांपल दिए हैं चेक करो वैसे 8 की डिविजिबिलिटी हमें बहुत काम को नहीं आएगी वाई फैक्ट्राइजेशन करेंगे नॉट सात की जरूरी है राइट right? पांच की भी जरूरी है थ्री की जरूरी है टू की जरूरी है इसके बाद हम नाइन चेक करेंगे एलेवन चेक करेंगे देखिए इलेवन इज प्राइम नंबर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट तो क्या करना है देखिए चार के लिए लास्ट दो डिजिट चेक करने थे पांच के लिए सिर्फ एक आठ के लिए तीन डिजिट ओके चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स चलो हो गया डन विथ एवरी वन डन एवरी वन चलो 246 देखिए लास्ट थ्री डिजिट चेक करना है थ्री ही है पूरे चेक करने पड़ेंगे राइट right. 246 को क्या चेक करोगे बताइए आठ से कैसे चेक करोगे आठ से कैसे चेक करोगे बताइए एक ट्रिक मैं आपको बता सकता हूं और ठीक है देखिए फोर अगर होगा तो हंड्रेड तक हमने कर लिया था बट हंड्रेड को एट से डिवाइड नहीं होता इसलिए हमने क्या किया थ्री डिजिट्स ले लिए थाउजेंड को होता है बट यहाँ पे एक काम आप कर सकते हो देखिए हंड्रेड को नहीं होता बट टू हंड्रेड को डेफिनेटली होता है होता या नहीं बिल्कुल हो जाएगा सो दो हंड्रेड को आठ से डिवाइड करेंगे क्या आएगा ट्वेंटी फाइव आएगा आंसर आएगा या नहीं सो टू हंड्रेड को डिवाइड कर लिया क्या बचेगा फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स को देख लो एट से एट फाइव फोर्टी एट सिक्स फोर्टी एट आ जाएगा नहीं आएगा सो so, इसका मतलब दिस इज नॉट डिविजिबल बाय एट अब मुझे बताइए बाकी क्या रहा टू वन वन टू लास्ट तीन डिजिट देखने हैं सिर्फ क्या बचेगा 1, 1, 2 बचेगा, राइट टू को देखने की जरूरत है नहीं अब वन वन टू को एट से डिवाइड होता है या नहीं चेक करना है दो से हो जाएगा पहले तो ये चेक कर लो इवन है क्या इवन होगा तो ही होगा Even है, तो दो से डिवाइड होगा कितना बचा 56 सिक्स बाय फोर फिफ्टी को होता है 4 से? होगा? बिल्कुल होगा। बिल्कुल क्या आएगा देखिए, ठीक है, सो फिफ्टी सिक्स को फोर से होगा इसका मतलब एक सौ को आठ से होगा so this is divisible by 8. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या देखना है लास्ट थ्री डिजिट्स तो बाकी सब हम भूल जाएंगे क्या बचा है देखिए 42 42 को 8 से होता है क्या 8, 5, 40. 42 को नहीं नहीं होगा होगा इसलिए ये नहीं होगा. अब लास्ट थ्री डिजिट्स वन मुझे बताइए क्या ये इवन है ये इवन ही नहीं है मतलब दो से ही डिवाइड नहीं होगा तो क्या एट से डिवाइड होगा बिल्कुल नहीं होगा अब बचा क्या बताइए टू फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी सिक्स टू टू फाइव सिक्स सॉरी तो हमें लास्ट थ्री डिजिट देखने हैं हैं इसलिए ये क्या आएगा अब देखिए हम चेक करते हैं। पहले दो से चेक करेंगे दो से चेक करेंगे तो क्या आएगा बताइए क्या आएगा वन वन ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाय फोर वन ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाय फोर क्या आएगा बताइए 64 डिवाइडेड बाय 2 और 64 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 32 टू इसका मतलब ए से डिवाइड होता है एट से डिवाइड होता है और अगर एट से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये पूरा नंबर एट से डिवाइड होगा इज दट क्लियर सो ये क्या था ये क्या था एट की डिविजिबिलिटी टेस्ट अब हमें नाइन की देखनी है ठीक है नाइन की देखने के पहले हम एक दो मिनट का ब्रेक ले लेते हैं ओके તેસે <laughs> પે <laughs> <laughs> <laughs>

Saya <laughs> <laughs>

थ्री जीरो अब नाइन से डिवाइड होता है या नहीं ये ये चेक चेक करते वक्त ये भी चेक करना है कि जीरो इज ओके वेदर वी आर चेकिंग डिविजिबिलिटी इज ओके चाहे टेस्ट चार का हो पांच का हो आठ का हो नौ का हो अगर हम बचा हुआ कुछ भी चेक कर रहे हैं इसका मतलब क्या जीरो अगर होगा तो डिविजिबल होगा ठीक है यस yes. तो चेक कर दीजिए नाइन से डिविजिबल है या नहीं टू प्लस वन क्या आएगा थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स नाइन से डिविजिबल है क्या नहीं इट शुड बी आइदर जीरो और डिविजिबल बाय नाइन तो ये नाइन से डिविजिबल है बिल्कुल नहीं नेक्स्ट चेक कीजिए थ्री टू वन जीरो टू वन थ्री टू वन जीरो टू वन जनरली जनरली देखिए टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये ईजी होता है नाइन वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी है बट ट्रिकी है जनरली बच्चे करते नहीं एग्जाम में आपको ऐसा ही क्वेश्चन आएगा देंगे नाएन। नाएन की लिए ट्रिक याद ही नहीं होती दो तीन चार तक पता होता है ठीक है ये बहुत इजी जाएगा बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन टाइम बिल्कुल नहीं जाएगा बट क्वेश्चन ऐसा ही आएगा अदरवाइज चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बताना पड़ेगी ठीक है तो हमें देखनी है ट्वेल्व की भी देखनी है फिफ्टीन की भी देखनी है बताइए नाइन का क्या आएगा थ्री प्लस टू फाइव फाइव प्लस वन सिक्स सिक्स प्लस टू एट एट प्लस वन नाइन सो नाइन को डिवाइड होगा बिल्कुल होगा इसका मतलब ये डिविजिबल है चलिए और दो चार एग्जांपल दे दूं ठीक है एग्जांपल वन 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 क्वेश्चन नंबर टू नाइन डबल जीरो डबल जीरो क्वेश्चन नंबर थ्री फोर टू वन टू फाइव क्वेश्चन नंबर फोर टू 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 थ्री थ्री फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव टू वन जीरो 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 सिक्स क्या रहा है? फोन नंबर ठीक है थोड़ा सा तो थो बड़ा देना पड़ेगा आपको चेक करना है ठीक है नंबर अब कितना भी बड़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा चलो एक एक, एक और नंबर ले लेते हैं वन जीरो 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 टू जीरो जीरो वन टू वन जीरो वन टू वन थ्री टू वन चलिए नहीं करिए इसका भी क्वेश्चन नंबर सिक्स टोटल सिक्स क्वेश्चन है हार्डली एक मिनट में हो जाएगा ठीक है चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बताइए हो गया लेट्स स्टार्ट बताइए वन 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 कितना होगा एडिशन कितना होगा? 9 होगा, 9 होगा इसका मतलब 9 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। देखिए, अगर हमें फॉर्मूला पता नहीं है, सो हमें पूरा डिवाइड करते बैठना पड़ेगा, right? So इसको 9 से होगा या नहीं बताइए, बिल्कुल होगा। दूसरा, 9 plus 0 plus 0 plus 0, 9 से होगा, बिल्कुल होगा। अब नंबर को देख लोगे, समझ लोगे, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, एक सेकेंड में पता चलेगा डिवाइड बाय नाइन कर सकते हैं या नहीं तो देखिए इजी है बट हमें पता होना चाहिए बिल्कुल नहीं था ठीक है टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस सिक्स बिल्कुल होगा आगे देखिए वन प्लस ये जीरो है ठीक है ये जीरो प्लस वन फोर फोर प्लस टू सिक्स सेवन प्लस वन एट एट प्लस टू टेन टेन प्लस वन इलेवन इलेवन प्लस थ्री फोर्टीन फोरटीन प्लस टू सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन बिल्कुल नहीं होगा नजर क्लियर सो नाइन की टेस्ट पता चली

टू जीरो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताइए फाइव थ्री टू इंटू टेन ठीक है प्लस बचा हुआ डिजिट देखिए ये इंटू टेन है इसका मतलब टेन से डिवाइड तो होगा ही बिल्कुल होगा तो जो बच्चा है वो भी टेन से डिवाइड होना चाहिए सो टेन से डिवाइड होने के लिए सिंगल नंबर डिजिट कौन सा है बताइए सिंगल डिजिट का नंबर ऐसा कौन सा है क्या एक को होगा टेन से डिवाइड दो को तीन को नाइन को किसी को भी नहीं होगा इसका मतलब आंसर सिर्फ जीरो ही आना चाहिए ओके, okay. सो so, कोई भी नंबर हो उसका अगर लास्ट डिजिट जीरो है इसका मतलब उसे टेन से डिवाइड होगा क्लियर? <coughs> तो टेन का रूल बहुत सिंपल है चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं टू थ्री फोर जीरो इतना या, इजी है कि आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है नहीं बिल्कुल नहीं है तो बताइए क्या डिविजल है यस और नो यस दूसरा नंबर फोर थ्री डबल जीरो बताइए क्या डिविजिबल है बिल्कुल है थ्री फोर थ्री जीरो वन क्या है या नहीं बताइए है जीरो तो है ना लास्ट डिजिट को चाहिए ठीक है इसलिए नहीं है ठीक है ये थे ये नहीं है फोर वन जीरो 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 ज्यादा जीरो है जीरो ज्यादा हो कम हो हमें सिर्फ लास्ट डिजिट का चेक करना है ठीक है है या नहीं बताइए बिल्कुल है तो दस का टेस्ट एकदम ईजी है ठीक है चलिए उसके बाद देखते हैं ग्यारह का टेस्ट Nine का जितना इंपॉर्टेंट है वैसे ही ग्यारह का भी इम्पोर्टेंट है, है? क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी रूल है बट ये रूल भी बहुत है अब इसमें क्या करेंगे हम देखिए इसमें भी हमें अलग अलग डिजिट देखने हैं बट जो डिजिट देखना है बेटा वो इवन डिजिट देखने है, पे है और और पोजिशन पे जो है और ऑड पोजिशन पे जो है देखिए अब फर्स्ट डिजिट फर्स्ट फर्स्ट मतलब वन वन क्या है ऑड पोजिशन है सेकेंड डिजिट मतलब इवन पोजीशन है फिर ऑड पोजीशन इवन पोजीशन तो हमें क्या करना है सारे ऑड ऑड देखिए एक के बाद जम करना है सारे ऑड ऑड ऐड करने हैं और सारे इवन इवन ऐड करने हैं ठीक है और इनका डिफरेंस करना है अगर इनका डिफरेंस डिविजिबल बाय 11 है तो नंबर डिविजिबल बाय 11 और अगर डिफरेंस जीरो होगा तो भी चलेगा इज दैट क्लियर तो बताइए मुझे टू प्लस फोर कितना हो गया सिक्स और वन प्लस थ्री कितना हो गया फोर सिक्स माइनस फोर कितना बचा टू बचा क्या टू इलेवन से डिविजिबल है बिल्कुल नहीं है ठीक है ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल फोर थ्री टू वन फाइव बताइए हमें क्या करना है ऑड ऑड प्लेस के डिजिट्स ऐड करने और इवन के भी ऐड करने हैं तो ऑड के देखिए पांच के बाद दो दो के बाद चार और क्या बचा फिर एक और तीन बचा क्लियर सो so, पांच और दो कितने हो गए सात सात और चार कितने हो गए एक ग्यारह और अब मुझे बताइए तीन और एक कितना हो गया चार तो एलेवन माइनस फोर सेवन सेवन को इलेवन से डिवाइड होगा बिल्कुल नहीं नेक्स्ट डिजिट है टू 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 बताइए इजी है या नहीं है? है या नहीं डिवाइड होगा या नहीं होगा या नहीं नहीं होगा यह है ऑड यह है इवन ऑड कितना होगा बताइए टू प्लस टू फोर ईवन कितना होगा टू प्लस टू फोर फोर में से फोर गया कितना बचा जीरो तो मैंने क्या बताया है आइदर इट शुड बी डिवाइडेड बाय फोर सॉरी इलेवन और इट शुड बी जीरो तो जीरो मतलब हो जाएगा ना हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा ठीक है जीरो से हो जाएगा सॉरी <coughs> जीरो है इसका मतलब हो जाएगा तो so, इलेवन से हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई बिल्कुल हो जाएगा अब दूसरा नंबर बताइए इलेवन डबल जीरो इलेवन बताइए होगा होगा या नहीं देखिए ऑड प्लेसेस वन जीरो फिर वापस वन इवन प्लेसेस वन प्लसिस क्या है वन जीरो और फिर वापस वन सो वन प्लस जीरो वन प्लस वन टू और ये क्या हो जाएगा टू माइनस वन माइनस जीरो सॉरी वन प्लस जीरो प्लस वन टू टू माइनस टू वापिस ये कितना हो जाएगा जीरो अगर जीरो है तो क्या हो जाएगा बताइए डिविजिबल है वैसे भी कभी कभी कोई और ट्रिक भी बहुत ईजी हो जाती है देखिये ये क्या है देखिए एलेवन इंटू जीरो 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 ग्यारह को अगर हम अलग करें तो बचेगा क्या 11 into 000, 11 into 40, 11 से डिवाइड होगा इंटू जीरो 11 वो भी डिवाइड होगा ठीक है तो ईजी है अदरवाइज आप डिजिट चेक कर सकते हो ठीक है चलिए और एक दो एग्जाम्पल देता हूं मैं वन टू वन टू वन टू बताइए ऑड नंबर और इवन नंबर चेक करना है देखिए पहले ऑड प्लेसेस सॉरी ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस ऑड प्लेसेस कौन सा है टू 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 इवन इसके बाद वन वन और वन टू प्लस टू प्लस टू कितना हो गया सिक्स माइनस वन प्लस वन प्लस वन कितना हो गया थ्री सो सिक्स माइनस थ्री कितना हो जाएगा थ्री क्या थ्री को डिवाइड होगा इलेवन से बिल्कुल नहीं तो क्या डिविजिबल है नहीं है ठीक है सेवन 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 देखिए ऐसा कोई नंबर आएगा जिसमें डिजिट है और एक जैसे है तो वो बिल्कुल से डिवाइड होगा क्योंकि नंबर ऑफ इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस सेम आएगा देखिए सब नंबर सेम है सेवन 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 और चार प्लेसेस है इसका मतलब इवन प्लेसेस पे जो एडिशन है वही ऑड प्लेसेस पे है बिल्कुल डिवाइड होगा एलेवन से ओके एनी प्रॉब्लम नहीं है देखिए कैसे सात प्लस सात चौदह और यह सात प्लस सात चौदह चलिए एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं नाइन 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 बताइए होगा या नहीं इलेवन से इजी है कैसे होगा बताइए एक दो तीन चार पांच छह आठ नौ कितना आएगा जीरू, जीरू मतलब से डिवाइड होगा हाँ तो ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम को आएगा ठीक है आंसर निकालना एक सेकेंड का काम होगा बट आपको पता होना चाहिए सो so, आपको सिर्फ ये नंबर दिया जाएगा और बोला जाएगा इलेवन से डिवाइड करो तो बच्चे क्या करेंगे अच्छे से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें पूरा नाइन 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 लिख डालेंगे इलेवन से डिवाइड करेंगे पांच या दस मिनट जाएगा फिर भी इसमें प्रॉब्लम आ ही सकता है इतना बड़ा डिविजन करना इज नॉट इजी इज दट क्लियर सो हमें सिर्फ रूल पता है उस रूल का यूज कर रहे हैं हम इज दट क्लियर ठीक है तो अब इसमें ही अगर मैं दो जीरो ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा बताइए कुछ फर्क पड़ेगा देखिए ऑड प्लेसेस तो वापस ऑड ही रहेंगे इवन, इवन ही रहेंगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इधर अगर मैं वन वन ऐड करूंगा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ठीक है इधर अगर मैं पांच ऐड कर दूपिस पांच ऐड कर दू कुछ फर्क पड़ेगा नहीं इसका मतलब नंबर कितना भी हो सिमिट्री दिख रही है इसका मतलब एडिशन ऑफ इवन प्लेसेस प्लस एडिशन ऑफ ऑड प्लेसेस हमें एक जैसा ही दिख रहा है इसका मतलब एलेवन से डिवाइड होगा एज क्लियर ट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग एलेवन की डिविजिबिलिटी चेक करना बट वी कैन डू इट बाई रूल ओके चलिए मुझे पता है ये बारह का अभी हमने छ का कैसे किया था बताइए अगर किसी नंबर को छ से डिवाइड करना है तो टू इंटू थ्री कर दिया दो से भी हो और तीन से भी हो तो टू इंटू थ्री सिक्स हो जाएगा वैसे बारह के लिए कुछ कर सकते हैं बताइए क्या करेंगे बताइए क्या करेंगे थ्री इंटू फोर टीन टू फोर कर सकते हैं। सो so, कोई भी नंबर अगर थ्री से डिविजिबल है प्लस फोर से भी है तो क्या होगा? बारा से डिविजिबल हो जाएगा। क्या आपको थ्री का पता है? क्या करेंगे? नंबर की एडिशन और फोर के लिए क्या करेंगे? लास्ट टू डिजिट्स ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल दे देता हूं मैं। पाई सेवन सि� चलिए लेट सी डिविजिबिलिटी टेस्ट में और एक दो एग्जांपल देखेंगे हम उसके बाद विल सी समेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड ऑल बताइए क्या चेक करना है पहले तीन का चेक करना पड़ेगा और फिर चार का ठीक है तीन का कैसे चेक करेंगे बताइए फाइव प्लस सेवन बारह बारह और 6, 18. 18 को होता है तीन से तो तीन से होता है ठीक है तीन और चार दोनों का टेस्ट चेक करेंगे सिर्फ तीन से हो रहा है चार से चेक करो चार से मतलब लास्ट टू डिजिट से होगा बिल्कुल होगा देखिए एटी को होता है तो एटी माइनस फोर सेवनटी सिक्स हो जाएगा बिल्कुल ठीक है तो चार का भी होगा इसका मतलब नंबर इज डिविजल बाय 12 ओके okay. अब देखिए 2 1 2 2 प्लस वन थ्री थ्री प्लस टू फाइव नहीं होगा तीन से ही नहीं होगा चार का टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है है जरूरत नहीं अब मैं तीन से क्यों टेस्ट कर रहा हूं बताओ <laughs> तीन की टेस्ट इजी है दोनों चेक करना पड़ेंगे तीन की टेस्ट इजी है इसलिए तीन से पहले अगर तीन से ही नहीं तो चार को टेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं ठीक है बताइए फाइव प्लस थ्री से होगा नहीं इज दट इजी यस yes, दैट्स से चेक किया नहीं तो तीन से नहीं तो बारह से भी नहीं ओके okay? नेक्स्ट क्या आएगा 2, 1, तीन से हो रहा है बिल्कुल हो रहा है अब देखेंगे चार से बिल्कुल नहीं इसका मतलब चार से नहीं तो ये भी नहीं टू 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 प्लस टू प्लस टू, प्लस टू. कितना सिक्स सिक्स को होगा थ्री से होगा बट लास्ट टू डिजिट बाईस बाइस को चार से होगा बिल्कुल नहीं इसका मतलब ना इज क्लियर ठीक है तो 12 का हो गया अब हम चेक करेंगे 15 का देखिए जैसे हमने 12 का किया 3 इंटू फोर पंद्रह का कर सकते हैं क्या करेंगे बताइए थ्री इंटू फाइव कोई भी नंबर है 3 इंटू फाइव कर दो और चेक कर दो तीन से भी डिवाइड होना चाहिए पांच से भी तो इसके थोड़ा कम एग्जाम्पल ले लेते हैं ठीक है चलिए बताइए मुझे टू वन सिक्स वन फाइव थ्री टू थ्री सॉरी टू टू वन थ्री फाइव टू वन सिक्स टू वन जीरो टू फोर फोर जीरो बताइए मुझे चार पांच एग्जांपल है डायरेक्टली कर लेंगे पहले तीन से भी चेक करना है पांच से भी चेक करना है कौन सा टेस्ट इजी ये बताइए पांच का टेस्ट इजी ये वाई एंड में पांच होना चाहिए या जीरो होना चाहिए देखिए इसमें पांच है बिल्कुल नहीं इसमें है बिल्कुल नहीं तो बाकी तीनों में बच गया

फिफ्टीन से डिवाइड कर सकते हैं वो खुद फिफ्टीन है ठीक <laughs> है तो कोई और नंबर भी चेक कर सकते थे हम फॉर एग्जाम्पल थर्टी ले लीजिए अब जीरो पांच मतलब से हो रहा है हो रहा है थ्री प्लस जीरो 3. 3 से हो रहा है हो रहा है इसका मतलब पंद्रह से हो जाएगा ठीक है चलिए उसके बाद देखते हैं पच्चीस वापस देख लीजिए देखिए पच्चीस पच्चीस को अगर देखना है तो जैसा फोर का टेस्ट है वैसे ही हम करेंगे वाई क्योंकि 100 को 25 से डिवाइड होगा होगा या नहीं बताइए तो किसी भी नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे फॉर एग्जांपल 6252 तो इसे 62 100 लिख सकते हैं प्लस लास्ट के टू डिजिट्स देखिए 100 को 25 से डिवाइड होगा इसलिए किसी भी नंबर को मल्टीप्लाईड बाय 100 डिवाइड होगा यस yes और नो no? तो बचा क्या सिर्फ टू टू डिजिट्स तो लास्ट के टू डिजिट्स क्या होने चाहिए बताइए मुझे 25 से डिवाइड होने चाहिए तो ठीक है इसके हमें क्राइटेरिया चेक करने की जरूरत नहीं वो जीरो जीरो रहना चाहिए या 25 या 50 या 75 ये चार में से एक नंबर होगा आखिरी को तो ही 25 से डिवाइड होगा इज क्लियर तो सारे नंबर चेक करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं बताइए मुझे तीन चार एग्जाम्पल देता हूं फाइव सेवनटी फाइव टू वन जीरो 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 थ्री टू फाइव जीरो टू वन फाइव सेवन जीरो जीरो फाइव टू एट ठीक है थ्री डैश 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 जीरो बीच में डाल देंगे ड़ाँ, 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 जो बंदा अच्छे से लाइन मार के प्रॉपर कर बना के डिविजन करने वाला है वो बंदा क्या करेगा ऐसे करेगा कुछ नहीं उसे रूल ही पता होना चाहिए उसे लॉजिक ही पता होना चाहिए ठीक है लॉजिक क्यों क्योंकि हंड्रेड प्लेस के आगे सब डिविजिबल है है या नहीं जो दो डिजिट बचेंगे उन्हें ही चेक करना है ठीक है उसके बाद देखिए वापस फोर वन 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 बताइए, सेवन फाइव फाइव, सेवेंटी डिविजिबल है लास्ट के दो डिजिट चेक करना वो जीरो जीरो ट्वेंटी फाइव फिफ्टी या सेवेंटी फाइव होना चाहिए बताइए सेवन है पचास है बिल्कुल है एटी वन नहीं सेवेंटी फाइव है सेवेंटी वन बिल्कुल नहीं इज दैट क्लियर तो हमने कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट देखे इतने काफी है ठीक है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है देखिए नाइन का ट्रिक है इलेवन का ट्रिक है देखिए फिफ्टीन या ट्वेल्व होगा तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं थ्री इंटू फाइव थ्री इंटू फोर सिक्स के लिए भी टू इंटू थ्री होता है ठीक है सो so इंपॉर्टेंट क्या था देखिए तीन का नाइन का एड करना है इलेवन का सम प्लेसेस और सॉरी इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस ओके okay? बाकी चार का हो आठ का हो या पच्चीस का हो आपको डिजिट चेक करने हैं। पांच के लिए एक डिजिट चार के लिए दो डिजिट और और क्या था? पच्चीस के लिए दो डिजिट क्लियर ठीक है तो हम देखेंगे समेशन रूल फर्स्ट नेचुरल नंबर्स क्या आता है ठीक है तो कुछ समेशन देखेंगे हम नेचुरल नंबर के फर्स्ट नेचुरल नंबर है फिर फर्स्ट ऑड नंबर है उसके बाद स्क्वेयर्स देखेंगे नेशनल नंबर के क्यूब्स देखेंगे इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा याद करेंगे तो भी चलेगा अदरवाइज कैन बट देखिए एग्जाम में डेरिवेशन करने के लिए उतना टाइम नहीं है आप खुद लॉजिकली फॉर्मूला बना भी पाओगे और आंसर निकाल भी पाओगे बट उतना टाइम आपको मिलेगा नहीं ठीक है तो मुझे बताइए आपके पास एक क्वेश्चन है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैश 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 प्लस सिक्सटी क्वेश्चन सॉल्वेबल है या नहीं बताइए इजी है? है तो क्या करेंगे हम एक में दो ऐड करेंगे फिर तीन ऐड करेंगे फिर चार करेंगे फिर करते जाएंगे साठ तक करेंगे मैक्सिमम दस पंद्रह मिनट लगेंगे दो मार्क तो आ ही जाएंगे राइट right. तो इसके लिए देखिए सॉल्व करने के लिए लॉजिक पता है बट फॉर्मूला पता होगा दैट इज बेटर ठीक है कुछ लोग कुछ लोग क्या करेंगे देखिए इससे बेटर कोई ट्रिक निकाल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वन टू टेन ऐड किया फिर इलेवन टू ट्वेंटी क्या होगा हंड्रेड प्लस दैट ओनली फिर वापस इक्कीस से तीस तक कर लिया एक सौ बीस प्लस दैट ओनली कुछ ना कुछ ट्रिक निकालेंगे ठीक है बट अगर आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होगा कुछ आपको पता होगा तो आप इजिली कर पाओगे ठीक है तो फर्स्ट यन नेचुरल नंबर अगर होंगे फॉर एग्जाम्पल वन प्लस डैश वन प्लस टू प्लस डैश 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 प्लस यन इनको हम फर्स्ट यन नेचुरल नंबर कहते हैं क्यों बताइए पहले तो देखिए ये नेचुरल नंबर है या नहीं बताइए वन से स्टार्ट हो रहा है तो नेचुरल नंबर है है और फर्स्ट क्यों बोलते हैं इनको फर्स्ट क्यों बोलते हैं बताइए क्योंकि एक से शुरू हो रहा है ये पहला ही है ना ठीक है अगर हमें थ्री प्लस फोर प्लस फाइव लिखा होता है तो फर्स्ट एन दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड दे आर कंसेक्यूटिव वी कैन कॉल इट एज फर्स्ट एन तो इसका फॉर्मूला है डिवाइडेड इज क्लियर Easy है, ठीक है तो ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव करते हैं देखिए है, हमें सीरीज, बाकी का बताइए फॉर्मूला डिराइव करने के लिए सिक्वेंस सीरीज पढ़ाना पड़ेगा उसको तीन चार लेक्चर जाएंगे फिर आपको फॉर्मूला आएगा ठीक है सो इट्स बेटर दैट यू शुड लर्न फ्यू थिंग्स ओके बताइए क्या आएगा आंसर फिर क्या आएगा एन की वैल्यू क्या है न की वैल्यू क्या है सिक्सटी राइट सिक्सटी है ना तो सिक्सटी अगर वैल्यू है तो क्या आएगा बताइए और न प्लस वन मतलब डिवाइडेड इसका मतलब क्या आएगा थर्टी इंटू थर्टी वन बराबर है तो थ्री से ही मल्टीप्लाई करो थर्टी वन इंटू थ्री कितना होगा नाइनटी थ्री और एक जीरो तो है ही तो कितना आएगा बताइए नाइन थ्री जीरो कुछ प्रॉब्लम है इसमें ठीक है तो चलिए कुछ दो चार एग्जांपल सॉल्व करते हैं वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैश 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 हंड्रेड कर लीजिए सॉल्व बताइए मुझे कितना आता है हो गया कितना आया है आंसर देखिए एन की वैल्यू कितनी है हंड्रेड सो हंड्रेड और एन प्लस वन मतलब एक सौ एक डिवाइडेड बाय टू ठीक है सो हंड्रेड बाय टू कितना आ जाएगा पचास तो पचास की जगह पांच से मल्टीप्लाई करो फाइव जीरो फाइव हो जाएगा और एक जीरो एज इट इज फाइव जीरो फाइव जीरो चलो वन से फोर्टी तक एड करके दिखाओ कितना आएगा बताओ वन से लेके 40 था। कितना आएगा फोर्टी फोर्टी प्लस वन फोर्टी वन डिवाइडेड बाई टू कितना आएगा बताइए कितना आएगा यस टेल मी पे सिक्स ये सिक्सटी है और तो दो से डिवाइड किया सॉरी सॉरी पे पे ना यहाँ पे. तो 61 into 30 into 3, कितना हो सिक थ्री ठीक है तीस इकतीस <coughs> so, हो गया गलती से ओके okay? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल बताइए फोर्टी का क्या आ जाएगा बताइए Easy है कोई तो बताओ एट टू एट टू जीरो देखिए यहाँ पे फोर्टी को दो से डिवाइड करो बीस आ जाएगा फोर्टी वन इंटू टू एटी टू और जीरो है? अब मैं आपको एक सिंपल थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल दूंगा अब मुझे बताइए इलेवन प्लस ट्वेल्व प्लस डैश 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 प्लस फिफ्टी चलिए आंसर निकालिए पढ़ोले सेम फॉर्मूला है थोड़ा सा ट्रिक क्या है बिल्कुल एग्जैक्ट यस सेम फॉर्मूला है दो बार यूज करना पड़ेगा ठीक है क्या करोगे बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं वन प्लस टू प्लस डैश 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 पचास तक ठीक है इसमें से माइनस करेंगे क्या माइनस करेंगे वन प्लस टू प्लस 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 टेन तक क्लियर ठीक है एक से दस तक माइनस करो तो ये कहां से चालू होगा फिर ग्यारह से चालू होगा कर लोगे देखिए 1 वन से फिफ्टी क्या है आंसर वन से फिफ्टी क्या है अभी तक कहीं किया है यहाँ पे नहीं किया है कर लो वन से फिफ्टी क्या आएगा वन से फिफ्टी मतलब फिफ्टी फिफ्टी वन डिवाइडेड बाय टू और ये क्या आएगा माइनस वन टू टेन मतलब दस इंटू ग्यारह डिवाइडेड बाय टू चलिए आंसर निकाल के बताइए मुझे चलिए आंसर निकाल के बताइए देखिए यूपीएससी के लिए क्वेश्चन आ रहा है फॉर्मूला तो आपको ही आएगा बट क्वेश्चन एकदम इजी नहीं बनाएंगे थोड़ा सा तो ट्रिक करेंगे अदरवाइज बेनिफिट ऑफ आस्किंग पचास को अगर डिवाइड करो दो से तो कितना आएगा पच्चीस पच्चीस इंटू फिफ्टी वन क्या आएगा बताइए टू फाइव एज इट इज जीरो ट्वेंटी फाइव फाइव टू जन टेन एंड टू ट्वेल्व फाइव सेवन टू सो सेवेंटी फाइव आ जाएगा और टेन का क्या आता है 10 का तो आपको ऐसे भी आना चाहिए ठीक है? कितना है? 55 आता है, ठीक है 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 कितना आता उतना आपको आना ही चाहिए अब टेन बाई टू कितना फाइव so बताइए क्या आएगा ट्वेल्व ट्वेंटी ठीक है और एक एग्जाम्पल दे दू चलिए और एक एग्जांपल देता हूं लेट मी रब दैट चलो एग्जांपल ले लीजिए वन प्लस टू प्लस डैश 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 अप टू ट्वेंटी ठीक है प्लस एटीन प्लस नाइनटीन प्लस डैश 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 अप टू फोर्टी कीजिए क्या करोगे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए गया आंसर ठीक है कैसे हैंडल करोगे इसे बताइए यस डन हनी वन कितना आंसर एट सेवेंटी सेवन क्या किया आपने अच्छा ठीक है तीन बार ऐड किया फॉर्मूला ठीक है वन से ट्वेंटी के लिए ऐड किया फिर क्या किया वन से सॉरी वन से फोर्टी तक और माइनस किया वन टू सेवनटीन आप एक चीज कर सकते थे डायरेक्ट आंसर आएगा देखिए वन टू ये कहां तक है ट्वेंटी तक ओके okay. अब इसमें अठारह उन्नीस और बीस अगर छोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा इक्कीस डश डोर्टी तक सिंगल फॉर्मूला है इसमें सिर्फ आपको क्या ऐड करना है एक्स्ट्रा अठारह उन्नीस और बीस एक ही फॉर्मूला ऐड कर लो यूज कर लो वन टू फोर्टी तक और उसमें क्या ऐड करना है 8, 19 और बीस तो के बाद अठारह उन्नीस बीस रिपीट हो रहा है उसके बाद एक किस से फोर्टी तक है मतलब क्या आएगा फोर्टी

एट ट्वेंटी प्लस फिफ्टी सेवन कितना आएगा बताइए एट ट्वेंटी प्लस फिफ्टी सेवन क्या आएगा एट सेवेंटी सेवन एक्स क्लियर ठीक है कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ठीक है तो अगर मैं ऐसा ही एक एग्जांपल दे दूं वन प्लस टू प्लस डैश 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 अप टू ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी थ्री प्लस डैश 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 अपू फोर्टी बताइए क्या आएगा आंसर? तीन बार यूज करोगे? करोगे कर लो तीन बार यूज करोगे नहीं इसमें अगर एज इट इज वन टू फोर्टी भी अगर यूज करोगे तो सिर्फ ट्वेंटी वन मिसिंग है क्या मिसिंग है ट्वेंटी वन मिसिंग है अगर फोर्टी तक यूज करोगे तो एट ट्वेंटी आएगा मिसिंग क्या है सिर्फ ट्वेंटी वन माइनस करो ट्वेंटी वन क्या आएगा 799 इज ए क्लियर है इजी तो फॉर्मूला के साथ लॉजिक लगेगा ही इज ओके देखिए यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे थोड़ा सा टिक किया जाएगा that... इतना भी इजी नहीं होगा ठीक है चलिए हो गए तो हम देखते हैं फर्स्ट एन ऑड नंबर्स तो हमें फर्स्ट नेचुरल देखा नेचुरल मतलब सारे आ गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बट अब ऑड देखना है तो ऑड देखना है तो क्या देखना पड़ेगा वन थ्री फाइव सेवन नाइन ओके सो फर्स्ट एन फर्स्ट एन का मतलब क्या स्टार्ट कहां से होगा देखिए फर्स्ट एन है कौन से नंबर है ऑड मतलब सारे के सारे ऑड होंगे बट स्टार्ट कहां से होगा फर्स्ट एन मतलब एक से स्टार्ट होगा इज क्लियर सो अगर मैं लिखू वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस डैश 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 इलेवन तो ये कितने ऑड नंबर्स हो गए बताइए कैलकुलेट करने के लिए भी फॉर्मूला लगेगा आपको ठीक है 11 मतलब कौन सा वाला odd number है? Odd number है? First है, है? First है, देखिए, कितना ठीक इसको हम वैल्यू वन लिख रखिए क्या आएगा क्या आएगा वन ही आएगा तो so, इलेवन को अगर चेक करना है सो टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू इलेवन रखिए ये वन इधर जाएगा बारह हो जाएगा सो so, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी सिक्स आएगी सो so, टोटल कितने numbers है इलेवन मतलब कितने numbers? 6. अगर मैं यहाँ लिखता हूं टू सेवेंटी सेवन बताइए का ऑड नंबर है टू सेवनटी सेवन क्या करना पड़ेगा टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू सेवनटी सेवन एवन इधर लेंगे क्या होगा टू सेवेंटी एट डिवाइडेड बाई टू वन थर्टी इन वन समझ में आ रहा है ठीक है तो अब मुझे बताइए चले यही एग्जांपल कैलकुलेट कर लीजिए वन प्लस टू वन प्लस थ्री प्लस फाइव अप टू इलेवन क्या आ जाएगा बताइए टोटल नंबर कितने हैं सिक्स है लास्ट नंबर इलेवन है पर टोटल नंबर कितने हैं सिक्स है, है. सर फॉर्मूला ही नहीं दिया क्या कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो फॉर्मूला है वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस डैश 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 ये क्या आ जाएगा बताइए ये क्या आएगा क्या आएगा यक्स नंबर है x नंबर है ना सो so, ये क्या आएगा बताइए टू एन टू एन या टू एक्स माइनस वन यहां तक आएगा ठीक है सो so, टोटल कितने नंबर है x है, और लास्ट नंबर क्या होगा टू एक्स माइनस वन तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा बताइए यस स्क्वायर सिंपल क्या आएगा यक्स स्क्वायर चलिए कैलकुलेट करके देखिए सिंपल फॉर्मूला है इलेवन मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो कितना आएगा कितना आएगा कितना, कितना आ रहा है सिक्स आ रहा है ना इलेवन मतलब नंबर है। तो का स्क्वायर क्या हो गया थर्टी सिक्स हो गया तो आंसर क्या आएगा थर्टी सिक्स देखिए दो नंबर लेके देखिए वन प्लस थ्री क्या आएगा आंसर फोर टू का स्क्वायर है या नहीं है वन प्लस थ्री प्लस फाइव कितना आ जाएगा नाइन थ्री का स्क्वायर है या नहीं ठीक है वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन देखिए चेक करके सिक्सटीन आ जाएगा ठीक है देखिए चार में पांच ऐड करो नौ आएगा नौ में सात ऐड करो सोलह आएगा इज क्लियर तो फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वे तो आपको फाइंड क्या करना है ये X. X मतलब कितने नंबर है टोटल ये फाइंड आउट करना है तो आपको आंसर आ जाएगा दे दो एक एग्जांपल चलिए कैलकुलेट करिए सारे ऑड नंबर्स की एड ऑल नंबर्स फ्रॉम वन टू हंड्रेड ठीक है क्या करोगे समेशन ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम वन टू हंड्रेड क्या आएगा बताइए मुझे कितने ऑड नंबर्स है पहले ये तो बताइए कितने ऑड नंबर है फिफ्टी है तो टोटल तो ऑड नंबर कितने हो गए फिफ्टी तो उसका आंसर क्या आएगा फिफ्टी का, का स्क्वायर क्या आएगा फिफ्टी का, का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इज दैट इजी या फिर ऐड करोगे सब कुछ नहीं ठीक है का निकालना। देखिए जिनको नहीं 1, 3, 5, है तक? तक है। उनके लिए करना तक? तक के सारे क्या बताइए नहीं तो लास्ट ऑर्ड नंबर कौन सा आएगा नाइनटी नाइन देखिए हंड्रेड नंबर है उसमें आधे ऑर्ड है आधे इवन है इसलिए पचास में पता चल जाता है अगर नहीं पता चल रहा है तो ये फॉर्मूला यूज कर ला एक ऐड कर दो हो जाएगा. जाएगा? जाएगा? और का स्क्वायर क्या क्या ठीक है? चलिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए फाइव का स्क्वायर प्लस सेवन का स्क्वायर प्लस डैश 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 फोर्टी नाइन का स्क्वायर फाइंड आउट वैल्यू डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूले याद रखना ठीक है वो फॉर्मूले प्लस अपना दिमाग मतलब लॉजिक बिल्कुल आंसर आ जाएगा ठीक है फाइव स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर प्लस डैश 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 फोर्टी नाइन स्क्वायर क्या करोगे क्या करोगे बताइए टेल मी बाय सो मच टाइम हमने स्क्वायर दे दिया आप स्क्वायर का एग्जांपल सॉल्व कर रहे हो स्क्वायर का एग्जांपल सॉल्व कर रहे हो या फिर सिर्फ ऑड नंबर ऐड कर रहे हो आप कर क्या रहे हो तो बताओ एक्चुअली हम ऑड नंबर का देख रहे हैं गलती से मैंने स्क्वायर दे दिया ठीक है स्क्वायर का हमें नेक्स्ट देखना है ऑड के बाद बट अपने स्क्वायर का किसी ने सॉल्व किया है नहीं किया ऑड ही कर रहे हो आप ठीक है ग्रेट गलती से मैंने टू टू लिख दिया है यस yes. स्क्वायर का भी आएगा वो भी बहुत ईजी है विल चेक दैट लेटर क्या आएगा बताइए इसका आंसर अभी आया ही नहीं कम ऑन एटलीस्ट सम ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी का आया है किसी ने आंसर स्क्वायर का करके दे दिया था <laughs> कितना आएगा फोर फोर्टी वन लेट से क्या करोगे पहले लॉजिक बताओ क्या करोगे इजीली वन वन प्लस थ्री प्लस डैश डैश फोर्टी नाइन तक कर सकते हो कर सकते हो क्या नहीं मिसिंग क्या है वन और थ्री सो वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा फोर माइनस कर लेना क्या दिक्कत है फिर तो तो कर सकते हो तो बताइए टोटल कितने नंबर्स हैं कितने नंबर्स हैं 25 तो आंसर क्या आएगा 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625 625 में से क्या माइनस करना है 1 3 4 माइनस करना है कितना होगा आंसर 12621 621 आ जाएगा सर 25 में से 4 माइनस करना है हां इन 625 में से हमने one और थ्री नहीं लिया है तो टोटल फोर माइनस होगा ना ट्वेंटी माइनस होगा है। तो तो ही में से माइनस क्या होगा फोर माइनस होगा देखिए आप ऐसे मत कीजिए वन और थ्री नहीं है तो टोटल नंबर ट्वेंटी थ्री हो गए उसका स्क्वायर ऐसे नहीं है आपको पूरे सीक्वेंस का स्क्वायर निकालना है कितना आ जाएगा सिक्स ट्वेंटी फाइव और बचा क्या वन ओवर थ्री मिसिंग है तो वन ओवर थ्री माइनस कर दीजिए में से 1 minus 4, 24. उस में से उसमें वापस गया 621. Is that clear? ठीक है तो आंसर क्या आ जाएगा सिक्स ट्वेंटी वन ओके लास्ट एग्जाम्पल ले लोगे ठीक है उसके बाद नंबर्स हो गया इवन का अपन कल देखेंगे कल मतलब चलिए एक एग्जांपल ले लो वन स्क्वायर प्लस सॉरी इट्स नॉट स्क्वायर वन प्लस थ्री प्लस डैश 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 अप टू अप टू ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर अप टू ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर क्या आएगा बताओं क्या आएगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ठीक है अब मैं बताता हूं वन प्लस थ्री प्लस डैश 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 अप टू स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट ऑड नंबर ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट ऑड नंबर क्या आएगा वन जीरो वन मतलब टोटल नंबर्स कितने हो गए फिफ्टी की जगह फिफ्टी वन फिफ्टी वन का स्क्वायर क्या आएगा कैलकुलेट करोगे क्या आएगा? फिफ्टी वन इंटू फिफ्टी वन छब्बीस जीरो की और मल्टीप्लीकेशन की एक ट्रिक बताता हूँ जाते जाते ठीक है सो so, थोड़ा सा इजी हो जाएगा ठीक है Heading पे मत जाना, ट्रिक बता रहा हूं ओके okay? ठीक है देखिए फिफ्टी वन का स्क्वायर करना है तो आपको करना क्या इजीली? देखिए, 50 फिफ्टी के फिफ्टी वन के आसपास फिफ्टी का पता है आपको तो फिफ्टी का पता है तो 50 का स्क्वायर निकाल दो 50 का स्क्वायर निकाल दो पहले तो 50 का भी कैसा है वो देख लेते हैं तो 5 की ट्रिक पहले सीख लेते हैं फिर स्क्वायर की देखेंगे देखिए 25 का स्क्वायर करना है या 35 का करना है या 45 का करना है देखिए आखिरी को अगर पांच होगा तो क्या करोगे इसकी एक ट्रिक बता रहा हूं मैं ठीक है अब ट्वेंटी फाइव है ट्वेंटी फाइव है तो क्या करोगे पहले पांच का करो क्या आएगा फाइव फाइजा ट्वेंटी फाइव और टू को एक ऐड कर लोगे तो क्या आएगा थ्री टू थ्री झा सिक्स हो गया अब थर्टी फाइव का करना है बताओ क्या आएगा ट्वेंटी फाइव ठीक है वो 25 तो हमेशा आएगा थ्री प्लस वन क्या आएगा फोर थ्री फोर जा ट्वेल्व थ्री फोर जा ट्वेल्व इज दट क्लियर फोर्टी फाइव को निकालना है क्या आएगा बताइए फाइव मतलब ट्वेंटी फाइव फोर इंटू फाइव कितना आएगा ट्वेंटी चलिए सिक्सटी फाइव का बताइए क्या आएगा इंस्टेंटली सिक्सटी फाइव मतलब सिक्स है सिक्स सेवन जा फोर्टी टू ट्वेंटी फाइव फोर्टी टू ट्वेंटी फाइव सेवेंटी फाइव का बताइए फाइव सिक्स टू फाइव ठीक है नाइनटी फाइव का बताइए नाइन जीरो नाइन जीरो टू फाइव किसका था ये 95 का ओके नाइन जीरो टू फाइव ठीक है तो इजी है ठीक है अब हम देखते हैं स्क्वायर निकालना देखिए अभी आ, आपको 40 का स्क्वायर निकालना है इजी है 4 का निकालो दो जीरो एड कर दो आखिरी को जितने जीरो है उसके डबल करना है इज एजट क्लियर 40 का निकालना है क्या करोगे बताओ 4 का स्क्वायर 16 और एक जीरो की जगह दो जीरो इज एज क्लियर ठीक है ये तो इजी है ठीक है 50 का करना है क्या करोगे बताओ पांच का कितना आएगा पच्चीस और एक जीरो की जगह दो जीरो ठीक है अब आते हैं मेन ट्रिक पे तो पांच वाली ट्रिक याद आएगी ठीक है पता चला तो अब देखेंगे फिफ्टी वन फिफ्टी वन का स्क्वायर कैसे निकालना है देखिए कोई भी नियर बाय स्क्वायर अगर आपको पता होगा देखिए फिफ्टी का स्क्वायर पता है क्या है बताइए क्या है क्या है बताइए टू फाइव जीरो जीरो आपको स्क्वायर कौन सा पता है पचास का निकालना कौन सा है फिफ्टी वन का तो इस स्क्वायर में पचास भी ऐड करो और इक्कावन भी ऐड करो दैट्स इट तो कैसे करोगे देखो पचास भी करना है फिफ्टी वन भी करना है सो इट्स बेटर दो बार पचास ऐड करो और एक ऐड करो ओके सो पचास प्लस इक्यावन कितना होगा एक सौ एक पच्चीस सौ में एक सौ एक ऐड करो कितना हो जाएगा छब्बीस जीरो वन छबीस जीरो वन इज दट क्लियर अब हम क्यों कर रहे हैं बताइए एक सिंपल फॉर्मूला है एन प्लस वन स्क्वायर का फॉर्मूला है क्या है एन प्लस वन का स्क्वायर ये होता है एन स्क्वायर प्लस प्लस टू एन वन स्क्वास ओके सो टू एन प्लस वन मतलब क्या एन प्लस एन प्लस वन एन मतलब पचास एन प्लस वन मतलब इक्यावन ठीक है चलिए स्क्वायर करिए थर्टी सिक्स का थर्टी सिक्स का अब मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल नहीं करना है थर्टी फाइव का आ जाएगा फोर ज्व ट्वेंटी फाइव ठीक है थर्टी सिक्स का क्या करोगे थर्टी फाइव भी करना है थर्टी सिक्स भी करना है थर्टी फाइव टू जै सेवेंटी और सेवेंटी में एक ऐड कर दो सेवेंटी वन क्या आएगा बारह पच्चीस में सेवेंटी वन ऐड कर दो क्या आएगा क्या आएगा बताइए सिक्स नाइन ट्वेल्व कुछ इश्यू है ठीक है, है? सबस्ट्रेक्शन के लिए भी वही कर सकते हैं पहले एडिशन के और एक दो देख लो ठीक है चलिए नाइनटी वन का स्क्वायर निकालिए 91, you यूज use your pens. 91 का स्क्वायर बताइए क्या आएगा 90 90 का का पता है? एट वन डबलटी वन मतलब 181. 91 मतलब 181. Why? 90 भी भी. करना है, करोगे तो क्या होगा सीधा सीधा एट वन एटी वन मतलब टू एटी वन हंड्रेड ऊपर है रहता टीजी, ठीक है, चलिए। और 76 का निकालिए, 76 का स्क्वायर निकालिए, 75 का निकाल पाओगे? क्या आएगा 75 का? 780, 7 इनटू 8, 56. आएगा 56 25. ओके, okay. अब 75 और 76 मतलब 151. कितना? 151. 151 ऐड कर दो. कितना आएगा देखिए इजी है मल्टीप्लाई करने की जरूरत है तो देखिए आपको एक प्लस होगा तो सिर्फ तभी आएगा ऐसे भी नहीं है माइनस होगा तभी भी आएगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल थर्टी नाइन का स्क्वायर निकालो देखिए अब फोर्टी वन का अगर निकालना है तो हम क्या कर रहे थे फोर्टी का स्क्वायर करो और फोर्टी भी माइनस कर, करो सॉरी फोर्टी भी एड करो फोर्टी वन भी एड करो अब थर्टी नाइन का निकालना है तो फोर्टी का निकालो फिर फोर्टी भी माइनस करो थर्टी नाइन भी माइनस करो इज दैट ओके ठीक है निकालिए का 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 तो निकाल लिया हमने, निकालो, निकालो, कितना आएगा? अब इसमें सेवेंटी नाइन माइनस करना है सेवनटी नाइन माइनस करोगे तो इक्कीस बचेगा पंद्रह सौ इक्कीस इज क्लियर ठीक है और थर्टी फोर का निकालो चलो थर्टी फोर का स्क्वायर निकालो थर्टी फाइव का आता है क्या आएगा थ्री फोर ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव इसमें से क्या माइनस करोगे थर्टी फाइव भी करोगे थर्टी फोर भी करोगे मतलब सिक्सटी नाइन करोगे ठीक है सिक्सटी नाइन माइनस करना सिक्सटी नाइन माइनस करना क्या आएगा बताइए पंद्रह में से नौ गया छह रहा बारह में से सात गया पांच रहा दो में से गया students, एक ग्यारह सो छप्पन सबसेक्शन आ जाएगा ठीक है चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स लग गए हो दो घंटे का लेक्चर थोड़ा एक्टिक है बट चलेगा ठीक है तो ये सम ऑफ क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑड हो गया सम ऑफ इवन भी हो गया ठीक है इवन नहीं हुआ है सॉरी सम ऑफ एन नेचुरल नंबर हो गया और उसके बाद सम ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर्स हो गया तो इवन ले लूं या कल ले लेंगे चलेगा इतना याद रहेगा देखिए अब नेक्स्ट लेक्चर अभी हमारा ये थर्ड लेक्चर है थर्ड लेक्चर है इंट्रोडक्शन छोड़ के तो थर्ड लेक्चर है हम रोज रिवीजन ले रहे हैं क्योंकि हमारा एक वीक में एक बार हो रहा है अब नेक्स्ट टाइम हम बहुत ज़्यादा टाइम रिवीजन को हमें करना है, कम में एकदम आपको अच्छे सी समझ में आए ठीक है इसलिए आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा अब नंबर्स का क्या है ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम कल देखेंगे तो नंबर्स को कैसे लिखेंगे बताइए देखिए टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस दैस डैश ऐसे होगा या नहीं होगा बताइए यस yes? अब देखिए इसको ही हम क्या लिखेंगे 2 अगर common निकालेंगे, तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डैश 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 इज दैट क्लियर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे टू एज इट इज ये नेचुरल नंबर है क्या नहीं नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है क्या है बताइए एन एन प्लस वन बाय टू अभी अभी हमने किया है क्या है नहीं बताइए सो टू कॉमन निकाला था टू कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आएगा एन इन टू एन प्लस वन इज क्लियर एन इन टू एन प्लस वन ये क्या हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट फर्स्ट एन इवन नंबर तो की वैल्यू निकालनी है बाकी आपको आंसर जाएगा। की वैल्यू कैसे निकालोगे? नंबर, नहीं ठीक है ओके? कि कौन सा नंबर है क्या करना पड़ेगा हमें टू से डिवाइड करना पड़ेगा एट कौन सा नंबर है बताइए फोर्थ नंबर है हंड्रेड होगा तो फिफ्टी वाला नंबर है फिफ्टी प्लेस का नंबर है तो so, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी 50 आएगी क्या नहीं देखिए 1 प्लस सॉरी 1 नहीं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डैश 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 अप 200 ये लास्ट नंबर 100 है बट इसकी प्लेस वैल्यू क्या है मतलब कौन से प्लेस को है ये नंबर बताइए ये टोटल 50 नंबर है है या नहीं तो टोटल 50 नंबर है तो n की वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा आपको फिफ्टी लिखना पड़ेगी ठीक है तो एन की वैल्यू फिफ्टी रखेंगे एन की वैल्यू हंड्रेड नहीं रखेंगे कैसे निकालेंगे प्लेस नंबर डिवाइडेड बाय टू दिट तो हमें आ जाएगा ठीक है कर लीजिए वन प्लस टू प्लस फोर प्लस सिक्स अपड्रेड क्या आता है देखिए बताइए क्या आएगा एन की वैल्यू 50, 15 टू फिफ्टी वन क्या आएगा टू फाइव फाइव जीरो टू फाइव फाइव जीरो फिफ्टी इंटू फिफ्टी वन इजी मेथड क्या है कैसे करोगे yes, best. 50 प्लस यस बेस्ट फिफ्टी टू फिफ्टी देखिए फिफ्टी को फिफ्टी टाइम्स लिखना है तो टू फाइव जीरो जीरो आएगा तो फिफ्टी को और एक बार लिखना है फिफ्टी वन टाइम्स लिखना है ना तो टू फाइव जीरो जीरो प्लस फिफ्टी टू क्लियर okay? है लास्ट एग्जाम्पल प्लस नहीं और एक लेते हैं दो लेते हैं टोटल सो ट्वेल्व प्लस फोर्टीन प्लस डैश 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 प्लस फिफ्टी चलिए टोटल नंबर्स कितने हैं बताइए इसमें टोटल नंबर कितने हैं को क्यों गिन रहे हो ट्वेल्व तो ऑलरेडी है वहां पे सो so टेन तक के नहीं है टेन तक के नहीं मतलब पांच नहीं है पच्चीस में से पांच गए बीस बट बीस को आपको कैलकुलेट नहीं करना है फॉर्मूला पूरा यूज करोगे इस बीस के लिए एन की वैल्यू नहीं रखनी है राइट हमें लिखा क्या है फर्स्ट फर्स्ट एन तो क्या फॉर्मूला होगा फॉर्मूला क्या होगा बताइए क्या होगा टू प्लस फोर प्लस डैश 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 फिफ्टी माइनस क्या आ जाएगा टू प्लस फोर प्लस डैश 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 टेन क्लियर हाँ ये दो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ट्वेंटी नंबर है टोटल इसलिए ट्वेंटी का फॉर्मूला नहीं आएगा तो बताइए क्या आएगा फॉर्मूला फिर दो से पचास मतलब पच्चीस नंबर है पच्चीस नंबर मतलब पच्चीस इंटू छबीस क्या आएगा पच्चीस इंटू छब्बीस आएगा क्या पच्चीस इंटू छबीस माइनस अबो टू से दस दो से दस तक कितने नंबर है पांच है सो फाइव इंटू सिक्स फाइव इंटू सिक्स तो मुझे बताइए पच्चीस इंटू छब्बीस इजी पच्चीस का स्क्वायर क्या है 625 सौ पच्चीस और एक बार 25 कितना होगा 650 सौ पचास सौ पचास माइनस थर्टी माइनस थर्टी क्या आएगा सिक्स ट्वेंटी आएगा बिल्कुल आएगा ठीक है चलिए अब लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है फाइंड समेशन ऑफ फाइंड समेशन ऑफ ऑल टू डिजिट इवन नंबर्स ऑल टू डिजिट इवन नंबर ठीक है थोड़ा सा ट्रिक है बट एक लास्ट क्वेश्चन है आना चाहिए फाइंड समेशन ऑफ ऑल टू डिजिट इवन नंबर तो ऑल टू डिजिट मतलब क्या होगा बताइए स्टार्ट कहां से होगा टेन से मतलब टू फोर सिक्स एट माइनस होगा और ये खत्म कहां पे होगा 98 पे 98 मतलब क्या 98 मतलब 24 का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 24 नहीं 49 98 मतलब 49 का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 98 डिवाइडेड बाय टू 49 आएगा 49 का फॉर्मूला यूज करो उसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या टू फोर सिक्स एट डायरेक्ट ऐड करके माइनस करो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे टू प्लस फोर सिक्स सिक्स प्लस तो डायरेक्ट ट्वेंटी माइनस करो किस में से ट्वेंटी फोर के फॉर्मूला में से चलो कीजिए फॉर्मूला से ज्यादा इजी तो आप ऐसे ही कर पाओगे टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट राइट तो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी फाइव क्या आएगा ट्वेंटी फोर इंटू 600, राइट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी फाइव क्या आएगा सिक्स हंड्रेड अगर इसमें कोई दिक्कत है तो देख लीजिए ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी फाइव क्या करेंगे अपन पता है ठीक है देखिए ट्वेंटी फोर को सिक्स इंटू फोर कर सकते हैं इंटू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इंटू सॉरी ट्वेंटी फाइव इंटू फोर हंड्रेड हो जाएगा हंड्रेड इंटू सिक्स क्या हो जाएगा 600 अब 600 में से माइनस क्या करना है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 मतलब 20 ना तो so 600 में से 20 माइनस कर लिया कितना आ जाएगा कितना आएगा 580 तो सम ऑफ ऑल टू डिजिट सीवन नंबर्स कितना आएगा 580 आ जाएगा ओके तो चलिए फर्स्ट यंस सम फर्स्ट यंन नेचुरल नंबर्स की वो भी हो, हो गई ठीक है सम ऑफ स्क्वेयर्स स्क्वेयर्स और क्यूब्स हम कल देखते हैं ठीक है हमने क्या क्या देखा बताइए सम ऑफ व्हाट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर फर्स्ट एन व्हाट ऑड नंबर्स फर्स्ट एन इवन नंबर्स तो नेचुरल देखिए नेचुरल का फॉर्मूला क्या है एन इन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू ऑड का क्या है एन स्क्वेयर और इवन का क्या है सिर्फ दो कैंसिल कर दो एन इन टू ठीक है तो हम स्क्वेयर और क्यूब का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ठीक है उसके बाद फ्रैक्शंस क्या होते हैं इंडेक्सेस क्या होते हैं ये अगर हमने देख लिया तो दैट अभी हमारे तीन पॉइंट बचे हैं नंबर सिस्टम में सिर्फ एक बचा है फ्रैक्शन क्या होता है दूसरा बचा है इंडेक्स क्या होता है और तीसरा नंबर सिस्टम का कन्वर्जन अब तक हमने डेसिमल देख लिया बाइनरी भी थोड़ा सा देख लेते हैं ठीक है तो सिर्फ तीन पॉइंट है और बॉर्ड मास का एक रूल बॉर्ड मास कभी सुना है सुना है तो चौथा पॉइंट है चार पॉइंट हो गए तो अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा नंबर सिस्टम का नंबर सिस्टम अच्छे से करोगे बाकी के सारे लेक्चर एक एक बाकी के सारे टॉपिक एक एक लेक्चर में आ जाएंगे और वो भी बहुत इजीली ठीक थे, है सो so, इसका थोड़ा सा रिवीजन कीजिए नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा रिवाइज नहीं करेंगे हम स्टार्ट करेंगे सिर्फ समेशन से ठीक है जहां खत्म किया है वहीं से स्टार्ट करेंगे इन इश्यूज ठीक है कोई इसमें डाउट है अभी तक ठीक है चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक गुड नाइट विल सी वेल सी यू डे आफ्टर टुमारो ये थर्ड ये थर्ड केस है ना नेचुरल नंबर की वन ऑड नंबर्स की टू और इवन नंबर्स का है तीसरा अब हम सिर्फ और दो देखेंगे स्क्वेयर्स के एडिशन और क्यूब्स की एडिशन ठीक है वो दो हो जाएंगे इनफ है तो कोई भी क्वेश्चन आए तो लॉजिकली आपको सोचना है कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना है देखिए अब मैंने क्वेश्चन सिंपल दिया था फर्स्ट टू डिजिट्स जो भी टू डिजिट्स टोटल इवन नंबर्स के एडिशन तो क्या आएगा देखिए कहाँ तक आएगा 98 तक आएगा ठीक है 98 मतलब n की वैल्यू 49 आती है तो 49 तक ऐड करो बट उसमें सिंगल डिजिट इवन नंबर भी है कौन सा है 2 4 6 8 वो माइनस कर दो दैट्स इट ओके सो so, ऐसे थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है बाकी सब सिंपल होगा ओके तो पहले हम 20 टॉपिक्स है हमारे सीसेट के ये पहले कवर करते हैं और उसके बाद हो गया तो एक दो पेपर सबको सॉल्व करके लेंगे और इतना सिर्फ सी साइड भी कर लोगे आप सी साइड भी कर लोगे तो भी आपका सॉरी कौन भी कर लोगे आप तो पूरा सी आपका ऐसे ही निकल जाएगा एक दो पैसेज सॉल्व कर लोगे इनफ है ठीक है और सी वाला पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे आपका ब्रेन बहुत तेज हो जाएगा ठीक है स्पेशली देखिए लैंग्वेज के बारे में पैसेज वगैरह आप अच्छे से सॉल्व करना चालू कर दोगे तो डाटा एक्सट्रैक्ट करने में आपको हेल्प मिलेगी ठीक है बट सीसेट अच्छे से आएगा तो एक्सट्रैक्टेड डाटा पे आपको क्या करना है क्या डिसीजन लेना है सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तब तक थैंक यू बाय बाय